हेलो 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 गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग एवरी वन उम्मीद करता हूँ कि आप लोग चुस्त तंदुरुस्त मेंटली एंड फिजिकली फिट एंड फाइन दोस्तों दोस्तों बड़ा प्यारा सा हम लोग फर्स्ट लेक्चर कर चुके हैं उसमें हम लोगों ने प्रोफेशनल एथिक्स से शुरुआत की मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने ऑडियो रिविज़न ज़रूर जरूर सुना होगा ठीक है मैं थोड़ा लेट डाला था लेकिन आज से ऑडियो रिविज़न हम लोग समय पर डालेंगे मैं जल्दी डाल दूंगा क्लास के इमीजिएटली बाद मैं आपको ये प्रोवाइड कर दूंगा तो हम लोगों ने पहले और ऑडियो रिवीजन आपको नहीं भी मिले तो भी बड़े प्यारे से हैंड रिटर्न नोट्स है वो उससे आप फटाफट रिवाइज कर सकते हैं मेंबरशिप रिलेटेड बहुत सारी प्यारी प्यारी बातें हम लोग देख चुके हैं मेंबरशिप के बाद में हम लोग सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस से भी कनेक्टेड बातें देख चुके हैं और बहुत ही प्यारा सा कॉन्सेप्ट चल रहा था हमारा बहुत ही सिंपल सी बात है कोई भी चार्ट अकाउंटेंट अगर सी ए रिलेटेड सर्विसेज देता है ये डोमेन की सर्विसेज अगर देता है तो ऐसा डीम कर लिया जाएगा ऐसा मान लिया जाएगा कि भाई साहब आप प्रैक्टिस में हो आप प्रैक्टिस में हो और आपको सारे रूल्स रेगुलेशंस लगने चाहिए आपने उसके हिसाब से काम करना चाहिए अगर ऐसा आप नहीं करोगे तो आपको पनिश किया जाएगा ठीक है तो वी हैव सीन दैट और उसके अंदर हम लोग देख रहे थे कि ये जो लिस्ट होती है ये लिस्ट को इंस्टीट्यूट समय समय पे इसको बड़ा कर सकता है एक्सटेंड कर सकता है और इंस्टीट्यूट ने किया है ये इंस्टीट्यूट ने रेगुलेशन 191 नाइनटी इशू किया और इस लिस्ट को और बढ़ाया और साथ में उन्होंने उसके उसके बाद अराउंड टू थाउजेंड सेवन में टू थाउजेंड सेवन में इन्होंने मैनेजमेंट कंसल्टेंसी इन अदर सर्विसेज एम सी ओ एस ये इशू किया और वापस इस लिस्ट को आगे बढ़ाया ठीक है अगर आपको याद है तो कल हमने देखा था ये जो सी ए रिलेटेड सर्विसेस है ठीक है इसके दो इम्प्लीकेशन है सबसे पहला जो भी चार्ट अकाउंटेंट सी ए रिलेटेड सर्विस करेगा उसको डीम कर लिया जाएगा कि बेटा तू तो डीम टू विन प्रैक्टिस है में माना जाएगा दूसरी बात जो लोग लेकर बैठे हैं वो लोग ये सारी सर्विसेज दे सकते हैं इसका क्लरिफिकेशन मिल गया उनका स्कोप ये सब कुछ है ये रेंज ऑफ एक्टिविटीज वो लोग परफॉर्म कर सकते हैं ये हमको पता चल गया तो इस लिस्ट के दो सबसे बड़े बड़े इंप्लीकेशन है दो सबसे बड़े बड़े मायने हैं अब आइए बहुत इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट ने मैनेजमेंट कंसल्टेंसी एंड अदर सर्विसेज। मैनेजमेंट कंसल्टेंसी एंड अदर सर्विसेस इंस्टीट्यूट ने आ, इसको समझाया है जिसको लेकर हम आगे बढ़ते हैं एक फिर एक लंबी चौड़ी लिस्ट है लेकिन हमने इतना प्यारा तरीका बनाया है इसको याद रखने का कि दिमाग में फिट बैठ जाएगा ठीक है आइए तो अगर हम लोग आते हैं डिटेल लिस्ट देखिए और डेली आपको तीन चीजें ग्रुप पे मिलेगी डेली आपको डीपीक्यू डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन कल भी मैंने एक डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उम्मीद करता हूं कि आपने उसको पढ़ा आपने उसको समझा प्यारी तरीके से लिखा बिंदास लिखिए अपने लैंग्वेज में लिखिए भर भर के लिखिए घबराइए मत ठीक है जितना आप खुद को रिस्ट्रिक्ट करेंगे उतना परेशानी होगी अच्छे से लिख अपने ओन लैंग्वेज में जितना प्यारा लिख सकते हो जितना प्यारा एक्सप्लेनेशन दे सकते हो लिखिए और लिख करके आप अपलोड करिए वो चेक करके आप लोगों को मिलेगा दोस्तों तो हर हर रोज आपको ये डीपी मिलेगा मेरे हैंड रिटन नोट्स भी मैं अपलोड कर देता हूँ लेकिन ये हैंड रिटन नोट्स आप लेक्चर के साथ जो लोग रिकॉर्डेड भी देख रहे हैं ये लेक्चर के साथ ही लिखिए अगर आप अलग से लिखेंगे तो मज़ा नहीं आएगा दोस्तों थोड़ा एक्सप्लेनेशन थोड़ा राइटिंग थोड़ा एक्सप्लेनेशन थोड़ा राइटिंग अपने आप एक कमाल का कॉम्बिनेशन बनता है एक कमाल का इन्वॉल्वमेंट आ जाता है दोस्तों ठीक है और आपको ऑडियो रिविजन भी मिल रहा है मैं बोलूँगा आप लोगों को बड़े प्यार से हर रोज़ दो ऑडियो रिविजन सुनने की कोशिश करें ठीक है लेक्चर के बाद आप सुने लेक्चर के पहले आप सुने बहुत प्यारी क्लैरिटी और दिमाग में रिटेंशन आएगा आइए दोस्तों तो अगर अब हम लोग देखते हैं डिटेल लिस्ट ऑफ कि भाई ये मैनेजमेंट कंसल्टेंसी एंड अदर सर्विसेज में क्या क्या तो हमने क्या किया इसको एक प्यारे से फ्लो में लाया कोई भी चीज फ्लो में लाते हैं तो उसको याद रखना बड़ा आसान होता है पहले कोई भी कंपनी का इनकॉरपोरेशन होता है तो इनकॉरपोरेशन रिलेटेड हम लोग सर्विसेज दे सकते हैं इनकॉर्पोरेशन रिलेटेड से जुड़ी हुई इनकॉर्पोरेशन के बाद में फंड रेजिंग होती है तो फंड रेजिंग हम लोग डिटेल में जाएंगे फंड ओवरऑल एक फ्लो बता दे रहा हूं मैं आपको तो फंड रेजिंग रिलेटेड चीजें यहां पे आएगी फिर आप कॉर्पोरेट प्लानिंग करते हो तो प्लानिंग रिलेटेड सर्विसेस यहां पे आने वाली है फिर प्लानिंग के बाद में करते स्टाफिंग करते हो स्टाफिंग रिलेटेड सर्विसेस आप दे सकते हो वो उसमें आता है मैनेजमेंट कंसल्टेंसी एंड अदर सर्विसेस में फिर ऑफिस वर्क होता है वो भी आता है फिर अल्टीमेटली प्रोडक्शन होता है प्रोडक्शन तो इंजीनियर्स करते हैं दोस्तों प्रोडक्शन इज डन प्रोडक्शन इज डन बाय इंजीनियर्स प्रोडक्शन का काम प्रोडक्शन का काम हम लोग थोड़ी करेंगे तो इंजीनियर्स करेंगे लेकिन हाँ प्रोडक्शन से रिलेटेड जो वर्किंग कैपिटल है और जो कॉस्ट मैनेजमेंट है वो सर्विसेस आप दे सकते हो फिर प्रोडक्शन के बाद में मार्केट रिसर्च और प्राइजिंग की सर्विसेज आप दे सकते हो माल बिकने के बाद रिकवरी की सर्विसेस इसमें आती है पैसा कमाने के बाद अलग अलग स्टेटमेंट्स की सर्विस आप दे सकते हो पैसा आ गया मनी मैनेजमेंट और इन्वेस्टमेंट की सर्विसेस आप दे सकते हो सब बढ़िया पैसा सब कमा लिया इन्वेस्टमेंट भी कर लिया कुछ नए दौर के ऑडिट्स आते हैं अलग अलग वो स्पेशल ऑडिट इसके अंदर आते हैं अदर्स ठीक है ओके okay. तो डिटेल लिस्ट है दोस्तों अच्छा तो देखिए अगर आप देखेंगे तो कैसा प्यारा सा एक फ्लो बना कैसा एक प्यारा सा फ्लो बना बस फ्लो देखिए कि मैनेजमेंट कंसल्टेंसी एंड अदर सर्विसेज में क्या क्या आता है इनकॉर्पोरेशन रिलेटेड सर्विसेज आते हैं इनकॉर्पोरेशन के बाद में फंड रेजिंग होता है फंड रेजिंग सर्विसेज दे सकते हैं फंड रेजिंग के बाद में प्लानिंग होती है कॉर्पोरेट प्लानिंग वो सर्विसेज इसमें आती है कॉर्पोरेट प्लानिंग के बाद में स्टाफिंग होती है वो आता है स्टाफिंग के बाद में कुछ ऑफिस वर्क आता है वो आता है प्रोडक्शन तो नहीं आता लेकिन दोस्तों प्रोडक्शन तो नहीं आ रहा लेकिन उससे रिलेटेड वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट मैनेजमेंट कॉस्ट वो आता है फिर प्रोडक्शन के बाद में मैं प्रोडक्शन के बाद में अगर बात करूं, तो मार्केट रिसर्च प्राइजिंग आता है फिर रिकवरी फिर स्टेटमेंट्स फिर पैसा इन्वेस्टमेंट्स अलग तरह के ऑडिट्स एंड अदर्स ऐसी बहुत सारी चीजें आपके मैनेजमेंट कंसल्टेंसी एंड अदर सर्विसेस में आती है दोस्तों नाउ एक छोटी सी चीज उसके पहले इन्होंने ये तो प्रोवाइड किया है कि लिस्ट में क्या-क्या आता है इन्होंने ये भी प्रोवाइड किया है कि लिस्ट में क्या-क्या नहीं आता है ठीक तो काउंसिल ने काउंसिल जैसे हर कंपनी को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चलाते हैं वैसे सीए इंस्टीट्यूट को उसका काउंसिल चलाता है दोस्तों हैज अप्रूव्ड रेजोल्यूशन सेक्शन टू सबसेक्शन टू क्लॉस फोर में पावर्स दिए हैं इंस्टीट्यूट को कि वो समय समय पे सीए रिलेटेड सर्विसेज को लिस्ट को एक्सपांड कर सकते बढ़ा सकते उन्होंने उस पावर का यूज किया और उन्होंने मैनेजमेंट कंसल्टेंसी एंड अदर सर्विसेज, मैनेजमेंट कंसल्टेंसी और अदर सर्विसेज की लिस्ट को रिलीज किया इशू किया इन्होंने दो चीजें बताई है कि इसमें क्या आना चाहिए इंक्लूजन्स और ये भी बताए एक्सक्लूजन्स क्या चीज़ें नहीं आएगी ऐसा क्यों सर हम लोग आगे जाकर भी देखेंगे ये जो मैनेजमेंट कंसल्टेंसी और अदर सर्विसेज है ये बड़ी प्यारी लिस्ट ऑफ़ सर्विसेज है ये सर्विसेज आप ट्रेडिशनल आपका जो प्रैक्टिस का फॉर्म है प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप ये फॉर्मेट में भी आप दे सकते हो या फिर आप इसके लिए MCC मैनेजमेंट कंसल्टेंसी कंपनी भी ओपन कर सकते हो क्या प्यारी सी बात है ये सर्विसेज देने के लिए आप ट्रेडिशनल जो सी का फॉर्मेट है वो भी आप यूज कर सकते हो या फिर एक कंपनी भी आप ओपन कर सकते हो तो ध्यान रखिएगा ये सर्विसेज आप कंपनी फॉर्मेट में दे सकते हैं और उस कंपनी को बताते हैं एम मैनेजमेंट कंसल्टेंसी कंपनी इससे रिलेटेड चीजें हम लोग गाइडलाइंस में देने वाले हैं अब कंपनी फॉर्मेट में आप चीजें करने लगे हो कंपनी फॉर्मेट में कुछ आप कंसल्टेंसी देने लगे हो कुछ चीजें जो बहुत सेंसिटिव है बहुत सेंसिटिव है बहुत इंपॉर्टेंट है और चार्ड अकाउंटेंट ने जिम्मेदारी अपने सर पे लेना चाहिए इंडिविजुअली अपने सर पे लेना चाहिए किसी कॉर्पोरेट फॉर्म में नहीं देना चाहिए इसीलिए कुछ चीजों को एक्सक्लूड किया गया है ताकि चार्ड अकाउंटेंट ये सेंसिटिव चीजें कंपनी फॉर्मेट में ना दे किसको एक्सक्लूड किया है स्टैचुट्री और पीरियोडिक ऑडिट्स स्टेचुट्री और पीरियोडिक ऑडिट्स ठीक है आपके जो रेगुलरली कंडक्ट होने वाले आपके कॉन्क्रेवेन्यू ऑडिट्स 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 आपके internal, internal audits, आपके इंटरनल इंटरनल रेवेन्यू आप जानते हैं बैंक में जैसे जैसे बैंक काम कर रहा है साइमल्टेनियसली ऑडिट होना चाहिए उसको कॉन्क्रंट ऑडिट बोलते हैं कहीं पे रेवेन्यू लीकेज तो नहीं है कम रेवेन्यू चार्ज तो नहीं कर रहे रेवेन्यू ऑडिट होता है ये जो पीरियोडिक ऑडिट्स है जो ऑडिट्स है दोस्तों ये आपके एमसीओएस में नहीं आएंगे जानबूझकर उसको इंक्लूड नहीं किया गया ताकि कॉर्पोरेट फॉर्म में आप इसको प्रोवाइड नहीं कर सको फिर टैक्स डीटी आईडीटी रिलेटेड कंसल्टेंसी रिप्रेजेंटेशन भी बहुत सेंसिटिव काम है जिम्मेदारी से करना पड़ता है इंडिविजुअल को अपने सर पे जिम्मेदारी लेनी पड़ती है ये भी ये भी आपका दोस्तों यहां पर नहीं आएगा मैनेजमेंट कंसल्टेंसी एंड अदर सर्विसेज में नहीं आएगा दोस्तों नौ फिर उसके बाद एक्टिंग इन रोल सच एज हमने कल पैसों वाली बात की थी कंपनी में बड़ा आदमी एडमिनिस्ट्रेटर आर्बिट्रेटर रिसीवर लिक्विडेटर ट्रस्ट में ट्रस्टी इंडिविजुअल में एग्जीक्यूटर ऐसे जो बड़े सेंसिटिव काम है मनी रिलेटेड वो भी यहां पर नहीं आएंगे और फिर इंक्लूजन की तो पूरी लिस्ट है दोस्तों आइए थोड़ा सा इसके बारे में लिखते लिखना हमारे टीचिंग का बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है इसके साथ साथ आपका क्लास में इन्वॉल्वमेंट भी बढ़ेगा आपका मेमोराइजेशन भी बहुत स्ट्रांग होगा क्लैरिटी भी बहुत ज्यादा बढ़ेगी आइए तो क्या बोल रहे लोग बहुत सिंपल सी बात ये लोग बोल रहे हैं डॉट सेवन एटी मैनेजमेंट कंसल्टेंसी एंड अदर सर्विसेज तो बहुत ही प्यारी सी चीज है सिंपल सी चीज है सबसे पहले सेक्शन टू सबसेक्शन टू क्लास फोर देखिए मैंने आपको बोला बार बार सी एक्ट को आप लॉ के जैसे ना पढ़े इसको प्रिंसिपल्स के जैसे आप पढ़े क्योंकि उसी तरीके से इसको ड्राफ्ट किया गया है ठीक है ऐसे एक एक वर्ड का इंटरप्रिट करके केस्टरी ऐसा नहीं होता यहाँ पे हमेशा ध्यान रखिए इसको प्रिंसिपल्स के जरिए के तरीके से लेकर चलिए तो यहाँ पे ये यह हम कल भी देख चुके गिव्स पावर To ICAI to specify activities that would be covered in. सीए रिलेटेड सर्विसेस उसमें आप बताएंगे यूजिंग दिस पावर आई हैज इश्यूड लिस्ट ऑफ एमसीओएस। सी मैनेजमेंट कंसल्टेंसी एंड अदर सर्विसेस इसमें आपको अगला देना है फॉर्मेट ऑफ गिविंग सर्विसेस एज कैन गिव दी सर्विसेस इन टू फॉर्मैट्स दो फॉर्मेट में सकते ट्रेडिशनल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप फॉर्म या फिर मैनेजमेंट एंड कंसल्टेंसी मैनेजमेंट एंड कंसल्टेंसी कंपनी एम सी सी मैनेजमेंट एंड कंसल्टेंसी कंपनी एम सी सी दो फॉर्म में दे सकते हैं फॉर्मेट ऑफ गिविंग सर्विसेस अब इसमें आपके इंक्लूजन से क्या क्या आएगा गिवन इन इन नेक्स्ट सीएनओ एन अगले कॉन्सेप्ट में हमने डिटेल्स दिए हुए इस चीज के गिवन इन नेक्स्ट ईयर नो अगर हम बात करते एक्सक्लूजन्स Following are excluded because they are sensitive and cannot be given in. कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ प्रैक्टिस कैनॉट बी गिवन इन कॉरपोरेट फॉर्म ऑफ प्रैक्टिस ठीक है क्या क्या इन्होंने एक्सक्लूड किया है जो बहुत ही सेंसिटिव चीज है उसको इन्होंने एक्सक्लूड कर दिया स्टेचुटरी एंड पिरोडिकल ऑडिट्स स्टैचुटरी एंड पिरोडिकल जो ऑडिट्स जितने भी स्टैचुटरी ऑडिट्स है कंपनी ऑडिट टैक्स ऑडिट ठीक है ये ऑडिट्स नहीं कर पाएंगे कॉन्कट ऑडिट इंटरनल ऑडिट रेवेन्यू ऑडिट यह ऑडिट्स एम सी यू एस में नहीं आएंगे मतलब आप कॉर्पोरेट फॉर्म में इसको आप नहीं दे सकते फिर इसके बाद नेक्स्ट पॉपुलर आपका टैक्स कंसल्टेंसी एंड रिप्रेजेंटेशन अगर आप टैक्स की कंसल्टेंसी दे रहे हैं, वो भी यहां पर नहीं आएगा ठीक है और अगर आप रिप्रेजेंट करना चाहते हैं अपने क्लाइंट को वो भी यहां पर नहीं आएगा फिर मनी रिलेटेड एक्टिविटीज एज स्टडीड इन रेगुलेशन वन नाइंटी वन ठीक है मैं उस पूरी लिस्ट को लिख नहीं रहा हूं हम लोग कल ही लिख कर आए फिर से उसको रिपीट करने की जरूरत नहीं है अगर मैं आपको याद दिला दू मनी रिलेटेड एक्टिविटीज सेंसिटिव मनी रिलेटेड एक्टिविटीज कंपनी में एडमिनिस्ट्रेटर देखो कमाल का है कंपनी में एडमिनिस्ट्रेटर आर्बिट्रेटर लिक्वेडर रिसीवर का सबसे बड़ा एडमिनिस्ट्रेटर उससे छोटा आर्बिट्रेटर फिर लिक्वेड फिर रिसीवर ट्रस्ट में ट्रस्टी का, का काम इंडिविजुअल में एग्जीक्यूटर ऑफ विल ये जो सेंसिटिव काम है मेटेड ठीक है ये काम आप नहीं कर पाएंगे तो बराबर बहुत इंपॉर्टेंट चीजों को एक्सक्लूड कर दिया है ताकि ये कॉर्पोरेट फॉर्म में ना है ट्रेडिशनल फॉर्म में आप करें ठीक है तो भाई इस चैप्टर के अंदर इंस्टीट्यूट ने कैसे चलना है कैसे कदम को फूक फूक के रखना है वो हर चीज बता के रखी हुई है आइए दोस्तों अब अगले सीएनओ की तरफ बढ़ते हैं पी डॉट सेवन नाइनटी अगर हम बात करेंगे डिटेल्ड लिस्ट ऑफ एम सी ओ एस मैनेजमेंट कंसल्टेंसी एंड अदर सर्विसेस मैं आपको एक और बात बता दूं एम सी ओ एस मैनेजमेंट कंसल्टेंसी एंड अदर सर्विसेस और कंपनीज एक्ट में मैनेजमेंट सर्विसेस है ये दो अलग चीज है ऑल टूगेदर दे आर डिफरेंट इसके बारे में मैं लिख देता हूं आ, पहले के सीएनओ में ही इसके बारे में लिख देंगे एज अ नोट एज अ नोट इसको लिख देते हैं तो इसलिए खुला खुला लिखिए कभी कभी मैं बाद में ऐड कर लेता हूं जगह थोड़ा थोड़ा हल्का सा खुला खुला लिखिए बाकी जगह कम से कम यूज होनी चाहिए एम सी ओ एस एस पर सी एक्ट इज वेरी ब्रॉड कॉन्सेप्ट इट इज डिफरेंट फ्रॉम मैनेजमेंट सर्विसेस विच आर रेफर्ड इन सेक्शन वन फोर्टी फोर ऑफ कंपनीज एक्ट आपको सेक्शन वन फोर्टी फोर अगर आपको याद है प्रोहिबिटेड सर्विसेस प्रोहिबिटेड सर्विसेस उसमें जो है दैट इज अ डिफरेंट थिंग तो ये प्रोहिबिटेड सर्विसेस ये अलग चीज है ऑल टूगेदर ठीक है आप प्लीज दोनों अलग है मैनेजमेंट कंसल्टेंसी एंड अदर सर्विसेस एक बहुत बड़ा डोमेन है इसमें बहुत सारी चीजें आती है जो हम कंपनी मैनेजमेंट सर्विसेज बोलते हैं वो बहुत सिंपल है कि जहां पे आप कंपनी के लिए कुछ चीजें मैनेज कर रहे हो ऐसा हम बोल सकते हैं फॉर एग्जांपल उनकी कोई ब्रांच मैनेज करना उनका कोई डिपार्टमेंट मैनेज करना ठीक है उसको हम मैनेजमेंट सर्विसेज़ बोल सकते हैं वो कंपनीज एक्ट में डिफाइंड नहीं है वो बहुत एक नैरो कॉन्सेप्ट है कि कंपनी के लिए कुछ चीज़ों को मैनेज करना और यहाँ पे एक बहुत लंबा चौड़ा एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है एक तो दोनों एक्ट अलग है दोनों की जो टर्मिनोलॉजी है दोनों की टर्मिनोलॉजी भी अलग है बोथ द टर्मिनोलॉजीज आर डिफरेंट और दोनों का ईयर भी अलग है मैनेजमेंट सर्विसेज़ कॉन्सेप्ट 2013 में आया 2013-14 में और ये जो कॉन्सेप्ट 2007 हजार में आया तो दोनों का टाइमलाइन भी अलग है तो दोनों को अलग ही रखिए उसको मिक्स मत मरिए उसको कंबाइन मत करिए ठीक है आइए दोस्तों नाउ अगर हम बात करें लिस्ट ऑफ एमसीयूएस आप सोचेंगे ये चैप्टर में कि कितनी छोटी बातें बिल्कुल दोस्तों ये चैप्टर ही ऐसा है भाई अगर आपको यहां से बीस से पच्चीस मार्क मिलने वाले अगर आपको ये चैप्टर से 20 से 25 मार्क मिलने वाले हैं तो डिटेल में तो आपको जाना पड़ेगा मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी और इसमें फुल मार्क्स मिलने के पूरे चांसेस हैं आप फुल मार्क्स इसमें ला सकते हो बस आपको कुछ नहीं करना है जितना मैं बता रहा हूं जितने प्यार से बता रहा हूं उतना आपको दिमाग में सेट करना है बाकी सब अपने आप हो जाएगा अब डिटेल लिस्ट की हम लोग बात करते हैं तो इन्होंने माहौल बनाया इन्हों एक फ्लो क्रिएट किया मैंने आपको फ्लो के बारे में बताया आइए अब इसमें चलते हैं सबसे पहले इनकॉर्पोरेशन रिलेटेड तो जब कंपनी बनती है जब कंपनी बनती है तो जब कोई भी कंपनी को बनाया जाता है तो इनिशियली कुछ सर्विसेस लगते हैं जैसे प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स लगते हैं प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स प्रोजेक्ट रिपोर्ट फिजिबिलिटी रिपोर्ट लगती है कंपनी वहां से पहले लोग सोचते हैं कि भाई फाइनेंशियल फिजिबिलिटी है क्या इस प्रोजेक्ट की पैसा बनेगा क्या ऑपरेशनल फिजिबिलिटी है क्या कि भाई प्रोडक्शन अच्छा खासा हो पाएगा क्या लीगल फिजिबिलिटी है क्या लॉ में प्रॉब्लम तो नहीं आएगा ठीक है आगे पीछे आप सोच रहे होंगे या फिर कुछ कर चुके होंगे शादी करने के बारे में तो फिजिबिलिटी सोचनी पड़ती है फिजिबिलिटी सोचनी पड़ती है भाई ठीक है फाइनेंशियल फिजिबिलिटी सोचनी पड़ती है मैं इतना कमाता हूँ वो इतना कमाएगी दोनों मिलाकर अच्छे से घर चला पाएंगे ना क्या फाइनेंशियल फिजिबिलिटी सोचनी पड़ती है ना भाई फिर लीगल फिजिबिलिटी भी सोच लेते हैं आजकल तो अच्छी बात है कि भाई अगर कल जाके अलग होना रहा तो सब बराबर है ना मैं लूट तो नहीं जाऊँगा सत्तर परसेंट चले तो नहीं जाएंगे किसी के भी ठीक है लीगल फिजिबिलिटी सोचनी पड़ती है फिर सबसे इंपॉर्टेंट आजकल कंपेटेबिलिटी कंपेटेबिलिटी है कि नहीं वो सोचना पड़ता है एंड सो ऑन तो जो फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स है वो आ सकता है एम के अंदर प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स और फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स आता है फंड रेजिंग में कैपिटल स्ट्रक्चर की प्लानिंग कैपिटल स्ट्रक्चर प्लानिंग एंड प्रोवाइडिंग एडवाइस ऑन रेजिंग फाइनेंस कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए कितना डेट कितना इक्विटी होना चाहिए ये आता है फिर आपको फंड इश्यू रिलेटेड भाई साहब अभी एकदम तूफान चल रहा है जबरदस्त मर्चेंट बैंकर्स इतना कमा रहे है बीस पच्चीस साल में जितना नहीं कमाया होगा पिछले एक दो साल में उतना कमा रहे इतने आईपीओ आ रहे हैं हर मर्चेंट बैंकर के पास में पांच छे पांच से छह आईपीओ पाइपलाइन में है तो इशू रिलेटेड एडवाइजरी इशू कैसे लाना उसके डॉक्यूमेंटेशन फिर उसके बाद उसकी पब्लिसिटी एजेंसीज एंड सो ऑन ये चीजें भी इसमें आएगी फिर रजिस्ट्रार एक्टिंग एज रजिस्ट्र टू रजिस्ट्रार टू एन इशू फॉर ट्रांसफर ऑफ शेयर्स आप रजिस्ट्रार बन सकते हो रजिस्ट्रार सर्विसेज लिस्ट मेंटेन करिए कितने अप्लीकेशन आए कौन शेयर होल्डर बने ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप कैसे हो रही है ये सारी चीजें भी आप उसमें कर सकते हो ये भी एमसीूएस में आएगा आइए दोस्तों इसके बारे में लिखते हैं थोड़ा थोड़ा लिखते जाते हैं तो यहां पर इनकॉर्पोरेशन रिलेटेड अगर मैं बात करूं तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स बनाना ये एमसीओएस में आता है इनकॉर्पोरेशन के बाद में पोस्ट इनकॉरपोरेशन जो फंड रेजिंग है वो इसमें आता है फंड रेजिंग में कैपिटल स्ट्रक्चर प्लानिंग कैपिटल स्ट्रक्चर प्लानिंग एंड एडवाइजरी वो आता है इसके बाद इश्यू रिलेटेड एडवाइजरी स्पेक्टस बनाना डॉक्यूमेंटेशन एक्सेट्रा इश्यू रिलेटेड जितनी भी चीजें वो सारी आएगी फिर रजिस्ट्रार सर्विसेस रजिस्ट्रार सर्विसेस के अंदर keeping record of applications ownerships transfer of shares ये भी चीज के अंदर आएगी तो बिल्कुल ठीक है, फिर पैसा के बाद में प्लानिंग ऑफ ऑफरिंग एक्सपर्टीज इन बिजनेस पॉलिसी कॉरपोरेट प्लानिंग आप एम uh, के अंदर कॉरपोरेट प्लान बिल्कुल पूरा बिजनेस पॉलिसी कॉरपोरेट प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट एंड ग्रोथ एंड डायवर्सिफिकेशन आप पूरी प्लानिंग करके दीजिए यू कैन डू अ कंप्लीट प्लानिंग थिंग कि कौन से कौन से बिजनेस में पहले जाना चाहिए कौन से बिजनेस में बाद में जाना चाहिए ठीक है पूरे बिजनेस पॉलिसी सेट करने में मदद कर सकते हो कॉरपोरेट प्लानिंग करने में मदद कर सकते हो कितना बड़ा ग्रुप होगा कितनी होल्डिंग कितनी सब्सिडरीज होंगी कंपनी के अंदर कितने डिपार्टमेंट्स होंगे इसका ठीक है आप इसकी पूरी कॉरपोरेट प्लानिंग कर सकते हो बजटिंग फिर पूरा आपका कॉरपोरेट प्लानिंग हो गया इसमें तो आप बिजनेस की पूरी कंसल्टेंसी इसमें ला सकते हो आप आ, पूरा ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट प्लान इसमें ला सकते हो फिर बजटिंग कैपिटल बजट रेवेन्यू बजट जो बनते हैं आपके प्रोडिकल वो सर्विसेज दे सकते हो स्टाफिंग स्टाफ एक बार आपका पूरा एक बार देखिए लंबी चौड़ी लिस्ट है दोस्तों मैं जानता हूं लंबी चौड़ी लिस्ट है और लेकिन हमको लिस्ट से जाना पड़ेगा पड़ेगी एग्जैक्टली exactly इस इसपे क्वेश्चन आता है एग्जैक्टली exactly इस इसपे क्वेश्चन आता है जो चीजें लिस्ट में दी है वो करेगा तो डीम टू बी इन प्रैक्टिस है और ये सारी चीजें एक सीए इन प्रैक्टिस कर सकता है इसी का मतलब इसके बाहर की चीजें नहीं कर सकता इंपॉर्टेंट ये सारी चीजें कर सकता है और इसके बाहर की चीजें नहीं कर सकता इसका भी आपको ध्यान रखना है एग्जाम में एग्जैक्टली यही क्वेश्चन आता है क्या ये सर्विसेज दे सकता है एंड सोन so आइए ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनाना डेफिनेटली कितने डायरेक्टर्स होंगे उनके नीचे कितने सीनियर मैनेजर्स होंगे उनके नीचे कितने uh, assist, कितने मैनेजर्स कितने असिस्टेंट मैनेजर्स होंगे सबके नीचे कितने लोग होंगे हर डिपार्टमेंट में पूरा स्ट्रक्चर बनाना फिर एम्प्लॉयज के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम्स एग्जाम में exactly एग्जैक्टली क्वेश्चन था ठीक है एम्प्लॉय के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम्स उनका जॉब डिस्क्रिप्शन क्या रहेगा जॉब इवेल्युएशन कैसे होगा वो रिक्रूटमेंट करना पर्सनल एम्प्लॉय का रिक्रूटमेंट एग्जैक्टली क्वेश्चन था कि क्या एक सीए इन प्रैक्टिस अपने क्लाइंट को रिक्रूटमेंट सर्विसेज दे सकता है बिल्कुल दे सकता है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनाकर दे सकता है स्ट्रक्चर बनाने के बाद में रिक्रूटमेंट की सर्विसेज भी दे सकता है फिर इंसेंटिव प्लान इंसेंटिव प्लान बना के देना बिल्कुल दे सकता है कोई प्रॉब्लम नहीं दोस्तों आइए तो इनकॉर्पोरेशन के बाद में इनकॉर्पोरेशन के बाद प्लानिंग रिलेटेड सर्विसेस प्लानिंग रिलेटेड सर्विसेस बिल्कुल दे सकता है जब मैं बोलूं प्लानिंग रिलेटेड सर्विसेस तो आप समझिए बिजनेस कौन सा करना चाहिए बिजनेस पॉलिसी बना के दे सकता है फिर ग्रुप कैसे होना चाहिए कितने डिपार्टमेंट्स होने चाहिए ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट करके दे सकता है पूरी कॉर्पोरेट प्लानिंग करके दे सकता है आपके बजटिंग आपके बजटिंग हर साल कैपिटल रेवेन्यू बजट्स बनाए जाते हैं ये बजट्स की सर्विस के अंदर आ सकती है ंग के बाद में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैं आपको इंपॉर्टेंट चीजों को मार्क करके दूंगा दोस्तों जिसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आ चुके हैं स्टाफिंग सर्विसेस स्टाफिंग सर्विसेस करके सकता है स्टाफिंग सर्विसेस के अंदर आपका ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम आ सकता है उसके बाद रिक्रूटमेंट एंड ट्रेनिंग रिलेटेड सर्विसेस वो आ सकता है रिक्रूटमेंट के बाद में इंसेंटिव प्लान डिजाइनिंग आप पहले स्ट्रक्चर बना के दो रिक्रूटमेंट करके दो फिर ट्रेनिंग करके दो उसके बाद इंसेंटिव इंसेंटिव आप बनाकर दो इंसेंटिव प्लान बनाकर दो ये सारी सर्विसेस ये सारी सर्विसेज इसके अंदर आएगी कैटेगरी कैटेगरी कौन सा है अगर मैं एबीसी में बोलू एमसीओएस, ठीक है ये मैं आपको ए कैटेगरी बोलूंगा यह आपको मैं ए कैटेगरी बोलूंगा डिटेल लिस्ट में डिटेल लिस्ट में भी मैं आपको ए कैटेगरी बोलूंगा लेकिन इसमें कुछ चीजें कुछ चीजें आपके काम की रहेगी बहुत ज्यादा वो मैं आपको इंपॉर्टेंट मार्क करा दूंगा डोंट वरी एक बार पूरी लिस्ट देख लेते हैं हम लोग आइए अब पूरा स्टाफ आ चुका है एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेस एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेस असिस्ट क्लाइंट विथ रूटीन टास्क विद इन दियर ऑपरेशन रिक्वायरिंग लिट प्रोफेशनल जजमेंट एंड क्लरिकल नेचर जो भी आपके एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेस है एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेस मतलब क्या होता है थोड़ी क्लरिकल नेचर चीजें, जिसमें जजमेंट बहुत कम लगता है जैसे वर्ड फाइल मेंटेन करना वर्ड फाइल को मेंटेन करना वर्ड फाइल एक्सेल फाइल को मेंटेन करना उसमें इंफॉर्मेशन भरना उसके बेसिस पे जो डेटा रहेगा स्टैचूट्री और बाकी जगह पे जीएसटी रिटर्न्स है वो डेटा वो डेटा पूरा एक जगह पे लाना स्टैचूट्री फाइलिंग डेट्स को मेंटेन करना ठीक है एक जीएसटी प्रैक्टिशनर जितनी सर्विसेज देता है जितनी सर्विसेज देता है जैसे रिटर्न्स बनाना डिपॉजिट्स करवाना रिफंड क्लेम करवाना रजिस्ट्रेशन एक्सेट्रा ये ऑफिस वर्क तो ऑफिस वर्क वाली चीज़ें भी आती है एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज जो क्लरिकल नेचर की होती है जिसमें जजमेंट बहुत कम होता है जीएसटी प्रैक्टिशनर जो जीएसटी की रेंज ऑफ सर्विस है वो सब भी इसके अंदर आता है ठीक है प्रोडक्शन तो नहीं कर सकते लेकिन प्रोडक्शन के लिए वर्किंग कैपिटल लगता है वर्किंग कैपिटल स्ट्रैटेजी एम्प्लॉयड फॉर इफेक्टिव वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी एम्प्लॉयड फॉर आप वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट की सर्विसेस यहां पर दे सकते हो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट आपका वर्किंग कैपिटल में इन्वेंट्री कितना होना चाहिए डेटर कितना होना चाहिए चाहिए क्रेटस कितने आप एक्सपेक्ट करना आपने इनवेंट्री मैनेजमेंट कैसे इन्वेंट्री को मैनेज करें कितना रॉ मेटेरियल रखे कितना WIP, कितना फिनिश गुड्स कैसे उसको स्टोर करें एंड सो ऑन इन्वेंट्री मैनेजमेंट सर्विसेज आप दे सकते हो कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग सिस्टम कॉस्ट अकाउंटिंग आप कॉस्ट अकाउंटिंग सर्विसेज दे सकते हो कॉस्ट कंट्रोल सर्विसेज दे सकते हो यूज़ ऑफ़ कॉस्ट कंट्रोल मेथड्स मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम टू मोनिटर ये काम भी आप कर सकते हो आइए दोस्तों देखिए बहुत सिंपल सा एक फ्लो चल रहा है इनकॉरपोरेशन रिलेटेड आप सर्विसज इसमें दीजिए दुनिया भर की प्रोजेक्ट रिपोर्ट फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स इनकॉर्पोरेशन के बाद में कैपिल स्ट्रक्चर की प्लानिंग करके दीजिए फिर इश्यू रिलेटेड सर्विसज दीजिए रजिस्टर रिलेटेड सर्विज दीजिए फिर आपका बिजनेस प्लानिंग कारपोरेट प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट प्लानिंग करके दीजिए बजटिंग करके दीजिए स्टाफिंग स्ट्रक्चर बना दीजिए रिक्रूटमेंट कर दीजिए ट्रेनिंग कर दीजिए इंसेंटिव प्लान बना दीजिए फिर इसके बाद आपके एक बार स्टाफ आ गया तो आपका ऑफिस वर्क आपका ऑफिस वर्क आइए दोस्तों ऑफिस वर्क में आपके एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेस आपके एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज इसमें सारे के सारे आ जाएंगे एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की अगर हम बात करें तो ये क्लरिकल नेचर और इसमें जजमेंट नहीं की तरह क्लरिकल नेचर चीजें हैं ठीक है क्लरिकल नेचर चीजें अगर मैं बात करूं कि क्लरिकल नेचर चीजों में बहुत ही सिंपल सी चीजें आती है आपका वर्ड फाइल को मैनेज करना वर्ड फाइल्स में मैनेज करना आपके फॉर्म्स एंड रिटर्न्स बनाना सबमिशंस सबमिशन्स ऑन ड्यू डेट्स बराबर चीजों को सबमिट करना ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेस है यह इसमें आती है जी एस टी प्रैक्टिशनर जितने भी सर्विसेज देता है पहले रजिस्ट्रेशन रिलेटेड सर्विसेस देता है ठीक है फिर रिटर्न फाइल करना क्लेम निकाल के लाना एक्सेट्रा ये सारे काम आएंगे ऑफिस वर्क प्रोडक्शन तो नहीं आता लेकिन प्रोडक्शन से रिलेटेड वर्किंग कैपिटल एंड कॉस्ट रिलेटेड सर्विसेस आएंगे अगर हम बात करते हैं तो बहुत सिंपल सा वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट उसमें सबसे इंपॉर्टेंट कॉम्पोन्ट होता है इन्वेंट्री मैनेजमेंट फिर आपके पूरा हिसाब रखना चीज़ों का मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम ये पूरा आ जाएगा कॉस्ट कंट्रोल मेथड्स रिकॉर्ड्स भी रखो और चीजों को कंट्रोल कैसे करो वो भी इसमें आ जाएगा दोस्तों आई अंडरस्टैंड लिस्ट है लेकिन एक बार ये लिस्ट है एक बार लिस्ट क्योंकि एग्जैक्टली इस पर क्वेश्चन आता है कि क्या ये सर्विसेस दे सकता है कि नहीं दे सकता है एक चार्ट अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस ये इसके अंदर आएगा दोस्तों एग्जैक्टली मार्केट रिसर्च एंड प्राइजिंग बिल्कुल मार्केट रिसर्च मार्केट रिसर्च एंड प्लानिंग रिलेटेड चीजें डेफिनेटली आएगी कि भाई आ, कि कितना बड़ा मार्केट है किसका कितना मार्केट शेयर है हम कितना मार्केट शेयर टारगेट हम कितना मार्केट शेयर टारगेट कर सकते हैं प्राइजिंग क्या होनी चाहिए इंट्रोडक्टरी प्राइजिंग क्या होनी चाहिए ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम प्राइजिंग कितनी होनी चाहिए ये दे सकते हैं रिकवरी कंसल्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट सिर्फ बैंकिंग सेक्टर में हमारे कहानी में हमने सेल के बाद रिकवरी रखा है लेकिन ये एक्चुअली रिकवरी बैंकिंग सेक्टर बैंकिंग सेक्टर में लोन देने के बाद अगर पैसे वसूल नहीं हो रहे तो कैसे वसूल करना उसको कितना डिस्काउंट देके पैसे वसूल करवाना उसके ईएमआई कितने कम कर देना एंड सोन so तो रिकवरी रिलेटेड सर्विसेज कैसे रिकवरी को आसान बनाना कैसे निगोशिएट करना कैसे वसूली करवाना कैसे सिक्योरिटी को बेचना ये सर्विसेज भी दे सकते हैं ठीक है आइए तो अगर हम बात करते हैं दोस्तों मार्केट रिसर्च एंड प्राइजिंग पूरा मार्केट रिसर्च और आपका प्राइजिंग देखो अगर प्राइस ज्यादा रखो तो ऐसा डर लगता है कहीं कंज्यूमर किसी और चीज के बारे में ना सोच रहे अगर प्राइस कम रखो तो डर लगता है कहीं कंज्यूमर लो क्वालिटी प्रोडक्ट है ऐसा ना मान ले तो प्राइसिंग कितना होना चाहिए ऑलवेज अ चैलेंज फिर आपका रिकवरी वेरी इंपॉर्टेंट इसमें से कुछ सर्विसेज पे सीधा क्वेश्चन आए हुए रिकवरी में बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको मार्क करके दूंगा रिकवरी कंसल्टेंट इन बैंकिंग सेक्टर वेरी इंपॉर्टेंट आप रिकवरी एजेंट नहीं बन सकते ठीक है लठवठ लेके चले पैसा वसूल करने के लिए काम नहीं कर सकते रिकवरी कैसे करनी चाहिए ये आप बता सकते हो इन बैंकिंग सेक्टर आइए फिर दुनिया भर के स्टेटमेंट्स दुनिया भर के स्टेटमेंट्स बना के देना ये आ सकता है कैश बजट्स कैश फ्लो स्टेटमेंट्स कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट पर यूनिट प्रॉफिटेबिलिटी पर लेबर प्रॉफिटेबिलिटी पर स्क्वायर फीट प्रॉफिटेबिलिटी, ठीक है ये अलग अलग तरह के स्टेटमेंट ऑफ सोर्सेस पैसा कहां से आ रहा है पैसा कहां पे जा रहा है ठीक है ये स्टेटमेंट बना के दे सकते हैं आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट फाइनेंशियल मैनेजमेंट की प्लानिंग पैसा आने के बाद में पैसा कहां पे इन्वेस्ट करना चाहिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट प्लानिंग और पॉलिसी बना के दे सकते हैं बिल्कुल वेरी इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट काउंसिलिंग कौन से सेक्टर में पैसा लगाना कौन से कंपनी में पैसा लगाना लॉन्ग टर्म रिटर्न कहां मिल सकते हैं इन्वेस्टमेंट काउंसिलिंग और एडवाइजरी दे, दे सकते हैं ठीक है लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट सबसे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ठीक है यहां पे ब्रोकिंग अंडर राइटिंग पोर्टफोलियो मैनेजमेंट नॉट अलाउड इन्वेस्टमेंट काउंसलिंग करो आप एनएसी बीएससी के ब्रोकर नहीं बन सकते सब ब्रोकर नहीं बन सकते ब्रोकर सर्विस नहीं दे सकते आप बोलेंगे सर प्रैक्टिकल लाइफ में देखा है सीए लोग काम करते हैं अपने वाइफ के नाम पे लेते हो अपने रिश्तेदार के नाम पे लेते हैं खुद आप ब्रोकर नहीं बन सकते एग्जैक्टली exactly एग्जाम में क्वेश्चन आएगा क्या इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी दे सकते हो यस वो आता है मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विस में लेकिन ब्रोकर नहीं बन सकते पोर्टफोलियो मैनेजमेंट नहीं कर सकते दूसरों का पैसा लेके मैनेज करना मत करो बहुत गाली पड़ती है हमेशा इन्वेस्टर डाउट ही करता रहता है यार और रिटर्न मिल सकते थे फिर गाली पड़ गई लॉस हो गया तो गाली पड़ गई

आप रजिस्टर्ड वैल्यूअर कंपनीज एक्ट के अंदर आप रजिस्टर्ड वैल्यूअर बन सकते हो वैल्यूएशन सर्विसेज दे सकते हो एप्सोल्यूटली फाइन आइए दोस्तों रिकवरी हो गई अब रिकवरी के बाद में रिकवरी के बाद में दुनिया भर के स्टेटमेंट दुनिया भर के स्टेटमेंट्स आप बना के दे सकते हो फंड फ्लो स्टेटमेंट कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट्स, जितने भी दुनिया भर के स्टेटमेंट्स हैं, आप इसमें बना सकते हो स्टेटमेंट बनाने के बाद में फिर आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड रिलेटेड सर्विसेज आप दे सकते हो फाइनेंशियल मैनेजमेंट फाइनेंशियल मैनेजमेंट रिलेटेड आप बिल्कुल दे सकते हो अब मैं बात करूं अगर फाइनेंशियल मैनेजमेंट रिलेटेड की तो इसमें क्या क्या आएगा दोस्तों देखिए तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट पॉलिसी पैसा मोटा मोटी कहां पे लगाना इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी और डिटेल में कौन से कंपनी में एक्जैक्टली exactly पैसा लगाना लेकिन यहां पे वेरी इंपॉर्टेंट नॉट अलाउड आप एडवाइजरी दो प्रॉब्लम नहीं है कोई लेकिन आप पोर्टफोलियो मैनेजमेंट नहीं कर सकते पोर्टफोलियो मैनेजमेंट नहीं कर सकते आप ब्रोकर नहीं बन सकते अंडर राइटर अंडर राइटर का काम नहीं कर सकते अंडर राइटर इज ऑल्सो नॉट अलाउड इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी करो पोर्टफुल मैनेजमेंट नॉट अलाउड ब्रोकर बनना नॉट अलाउड अंडर राइटर बनना वंस अगेन नॉट अलाउड फिर वैल्यूएशन का काम कर सकते वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स एसेट्स, रजिस्टर्ड पैसा लगाते वक्त क्या वैल्यूएशन होना चाहिए बिल्कुल वो कर सकते हैं, ठीक है आपके कैसे होना कौन से टर्म्स पे मर्जर एंड एक्विजिशन होना चाहिए मर्जर एंड एक्विजिशन होना चाहिए वो कर सकते हंड्रेड परसेंट अलाउड है मैं जानता हूं दोस्तों लंबी चौड़ी लिस्ट है बस खत्म हो रही है दोस्तों स्पेशल ऑडिट आप स्पेशल ऑडिट करिए दुनिया भर के स्पेशल ऑडिट यहां पे अलाउड है आप मैनेजमेंट मैनेजमेंट और ऑपरेशनल ऑडिट का काम आप कर सकते हो मैनेजमेंट एंड ऑपरेशन ऑडिट टॉप मैनेजमेंट को बताना कैसे परफॉर्मेंस को इंप्रूव करें यह काम आप कर सकते हो क्वालिटी ऑडिट का काम आप कर सकते हो कैसे क्वालिटी इंप्रूव करना एनवायरमेंट ऑडिट एनर्जी ऑडिट दुनिया भर के नए नए ऑडिट आप कर सकते हो आईटी सर्विसेज सर्विसेस कौन सा हार्डवेयर सॉफ्टवेयर यूज करना यह कंसल्टेंसी आप दे सकते हो इंश्योरेंस एडवाइजरी इंश्योरेंस एजेंट नहीं इंश्योरेंस एडवाइजरी इंश्योरेंस एजेंट पर्सनल पॉलिसीज़ बेचते हैं इंश्योरेंस एडवाइजर्स बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स को बताते कौन सा इंश्योरेंस का प्लान लेना चाहिए कौन सा इंश्योरेंस का प्लान लेना चाहिए आपके ओवरऑल फैक्ट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए किससे लेना चाहिए बिल्कुल एक बहुत बड़ी कंपनी बनाई जाती है निगोशिएट करके दस कंपनियों से निगोशिएट करके क्लाइंट को बेस्ट डील दी जाती है और जितना प्रीमियम होता है उसका कुछ परसेंटेज आपका रहता है इंश्योरेंस एडवाइज कर सकते हैं, इंश्योरेंस ब्रोकरेज बोलते हैं बिल्कुल अलाउड है बिल्कुल, बिल्कुल करिए कोई प्रॉब्लम नहीं है इंसॉल्वेंसी का काम करना है बिल्कुल करिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं।, नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों पैसा कमाने के बाद में पैसा कमाने के बाद कुछ स्पेशल ऑडिट्स बिल्कुल दीजिए कोई प्रॉब्लम नहीं है स्पेशल ऑडिट्स आपका टॉप मैनेजमेंट का मैनेजमेंट ऑडिट होता है उसके बाद ऑपरेशनल ऑडिट होता है क्वालिटी ऑडिट होता है एनर्जी ऑडिट होता है एनवायरमेंट ऑडिट होता है देखिए इंपॉर्टेंट है इस पे समय देना जरूरी है अगर हम अदर्स की बात करते हैं अदर्स की अगर हम लोग बात करते हैं बिल्कुल अदर्स में आप आईटी सर्विसेज सर्विसेस बिल्कुल दे सकते हैं इंश्योरेंस एडवाइजरी बिल्कुल अलाउड है इंश्योरेंस ब्रोकरेज का काम करना बेस्ट से बेस्ट डील लेकर पिछ में परसेंटेज चार्ज करना बिल्कुल अलाउड है देखो अदर्स में आए है इंसॉल्वेंसी इंसॉल्वेंसी से रिलेटेड कोई भी सर्विस है देना है ट्रिपल आय है में तो बिल्कुल आउट है। दोस्तों लंबी चौड़ी लिस्ट थी लेकिन एज ए सेट इंपोर्टेंट अब इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट कौन से है? मैं आपको मार्क करवा देता हूं मैं आपको मार्क करवा देता हूं कि सबसे इंपॉर्टेंट कौन से है? ठीक है जिसमें एग्जाम में क्वेश्चन पूछे हुए और आने के चांसेस बहुत ज्यादा है तो आप आ, मैं स्टार मार्क कर दे रहा हूँ एक स्टार लगा रहा हूँ ठीक है ये इंपॉर्टेंट है इशू रिलेटेड सर्विसेस रजिस्टर रजिस्टर रिलेटेड सर्विसेज बिल्कुल अलाउड है आपके रिक्रूटमेंट प्लानिंग इंसेंटिव ये बहुत इंपॉर्टेंट है इन्वेंट्री मैनेजमेंट कॉस्ट कंट्रोल मेथड्स रिकवरी कंसल्टेंट इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी आपके स्पेशल मैनेजमेंट ऑडिट्स इंश्योरेंस एडवाइजरी इंसॉल्वेंसी रिलेटेड सर्विसेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ये चीजें आप प्रैक्टिस में एक प्रैक्टिस वाला बंदा कर सकता है ये चीजें करोगे तो डीम टू बिन प्रैक्टिस में आ जाओगे दो इंप्लीकेशन है दो बहुत इंपॉर्टेंट इंप्लीकेशन है ये करोगे तो डीम टू बिन प्रैक्टिस में आ जाओगे और एक प्रैक्टिसिंग बंदा ये चीजें कर सकता है उसके डोमेन में आता है उसके स्कोप में आती है ये बात ठीक है फिर कुल मिलाकर मैंने आपको बोला था टैक्स सर्विस नहीं आती लेकिन टैक्स के बिना बहुत सारी कंसल्टेंसी आधी अधूरी है जैसे फाइनेंशियल कंसल्टेंसी है जिसमें कैपिटल बजटिंग की जाती है मशीन खरीदना नहीं खरीदना इंपॉर्टेंट डिसीजन जब तक आप टैक्स इंप्लीकेशन नहीं लोगे आप कैसे फाइनेंशियल कंसल्टेंसी दे पाओगे तो इनका कहना है यस थोड़ा बहुत टैक्स का एंगल आप कवर कर रहे हो बिल्कुल चलेगा देखो यहां पे हम लोगों ने उसको मार्क किया है टैक्स इंप्लीकेशन आप कवर कर सकते हो कहां कहां पे कवर कर सकते हो फाइनेंशियल मैनेजमेंट पॉलिसी बनाते वक्त आप इसको कवर कर सकते हो वर्किंग कैपिटल की पॉलिसी बनाते वक्त इसको कवर कर सकते हो कैपिटल मैनेजमेंट पॉलिसी बनाते वक्त प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स बनाते वक्त चार इसमें इन्होंने अलाउ किया है चार इसमें इन्होंने अलाउ किया है आइए टैक्स इंप्लीकेशंस कैन बी कवर्ड इन फॉलोइंग सर्विसेस आप इनिशियली जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स आप बनाते हो उसमें टैक्स इंप्लीकेशन ले लीजिए कोई प्रॉब्लम नहीं है कैपिटल स्ट्रक्चर की जो आप पॉलिसी बनाते हो उसमें टैक्स इंप्लीकेशन लीजिए कोई प्रॉब्लम नहीं है फिर उसके बाद आप वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट पॉलिसी बनाते हो उसमें टैक्स इंप्लीकेशन लो कोई प्रॉब्लम नहीं है पैसा कमाने के बाद फाइनेंशियल मैनेजमेंट की पॉलिसी क्या होनी चाहिए इसमें टैक्स की इंप्लीकेशन कवर करिए ठीक है थीके? आज तक इन्होंने पूछा नहीं है लेकिन पूछ सकते हैं प्योर टैक्स आप नहीं दे सकते मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विस में टैक्स सर्विस को एक्सक्लूड किया गया है, क्योंकि बहुत सेंसिटिव है लेकिन उसका इंप्लीकेशन चार जगह पे आप बिल्कुल ले सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है लीजिए ये चार जगह पे आप बिल्कुल इंप्लीकेशन लीजिए कोई प्रॉब्लम नहीं है. दोस्तों बहुत लंबा चौड़ा था लेट्स फ्रीज इट गाइस फ्रीज कर रहा हूं मैं इसको मैनेजमेंट कंसल्टेंसी एंड अदर सर्विसेज को आप ट्रेडिशनल फॉर्म में भी दे सकते हो और आप कॉर्पोरेट फॉर्म में भी दे सकते हो सेंसिटिव चीजों को एक्सक्लूड कर दिया गया है ऑडिट्स बहुत सेंसिटिव है एक्सक्लूड कर दिया गया है टैक्स बहुत सेंसिटिव है एक्सक्लूड कर दिया गया है मनी रिलेटेड जो मनी मैनेजमेंट रिलेटेड मनी रिलेटेड जो सेंसिटिव सर्विस है उसको भी एक्सक्लूड कर दिया गया है कौन सी कौन सी चीजें ली है इनकॉर्पोरेशन रिलेटेड चीजें ली हुई है प्रोजेक्ट रिपोर्ट फिजिटल रिपोर्ट इनकॉर्पोरेशन के बाद में कैपिटल स्ट्रक्चर प्लानिंग ली हुई है सारी फंड रेजिंग सर्विसेस की एडवाइजरी रजिस्ट्राइड सर्विसेस ली हुई है पैसा रेस करने के बाद में प्लानिंग बिजनेस प्लानिंग कॉर्पोरेट प्लानिंग सब कुछ लिया हुआ है प्लानिंग करने के बाद में स्टाफिंग रिलेटेड पूरी सर्विसेस ली हुई है ठीक है प्लानिंग क्या आपके स्टाफिंग रिलेटेड स्टाफिंग के बाद में वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट लिया है कॉस्ट मैनेजमेंट लिया है प्रोडक्शन के बाद में मार्केट रिसर्च डिमांड लिया है रिकवरी वाली चीजें ली हुई है पैसा कमा लिया स्टेटमेंट बना के तो दुनिया भर के मनी मैनेजमेंट इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट फाइनेंशियल मैनेजमेंट पूरा कवर किया है इन्वेस्टमेंट करने के लिए वैल्यूएशन सर्विसेज बिल्कुल आप लीजिए कोई प्रॉब्लम नहीं है एप्सुलूटली फाइन ठीक है पैसा वैसा कमा लिया दुनिया भर के स्पेशल ऑडिट करिए कोई प्रॉब्लम नहीं है आखिरी में आई टी सर्विसेस आई आई टी सर्विसेस आपके इन्वेस्ट इन्वेस्ट इंश्योरेंस एडवाइजरी सर्विसेज बिंदास दीजिए ठीक है इतना समय हम लोगों ने इसलिए दिया दोस्तों क्योंकि एग्जाम में एक्टली इस पॉइंट पे क्वेश्चन आता है एग्जैक्टली इस पॉइंट पे क्वेश्चन आता है तब आपके दिमाग में और एक बहुत प्यारा सा फ्लो भी हम लोगों ने क्रिएट किया ठीक है हा 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 तो लंबी चौड़ी लिस्ट थी दोस्तों आगे बढ़ते हैं प्रोहिबिटेड सर्विसेस ये सी कैटेगरी है ये मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि इम्पॉर्टेंट है ये एग्जाम में पूछा जाएगा इसको मैं इसको सी कैटेगरी कंपनीज एक्ट का है आप जानते हैं सेक्शन 144 है सेक्शन 144 है जो बोलता है कि ऑडिटर कुछ प्रोहिबिटेड सर्विसेज नहीं दे सकता इसके अलावा कोई सर्विस देनी है तो प्रायर ये जो प्रोहिबिटेड सर्विस के अलावा कोई सर्विस देनी है ठीक है तो आपको प्रायर अप्रूवल लेना पड़ेगा फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल के तौर पे जैसे एम्प्लॉय की एम्प्लॉय की रिक्रूटमेंट सर्विसेज देनी है रिक्रूटमेंट सर्विसेज प्रोहिबिटेड नहीं होती रिक्रूटमेंट सर्विसेज देनी है तो आपको पहले प्रायर अप्रूवल लेना पड़ता है अगर ऑडिट कमिटी है तो ऑडिट कमेटी से आपको ये अप्रूवल लेना पड़ेगा और अगर नहीं है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से आपको यह अप्रूवल लेना पड़ेगा ठीक है लिस्ट दी हुई है सर्विसेज की बैड माफिया करके शॉर्टकट हो सकता है आप क्या क्या इन्वेस्टमेंट बैंक बैंकिंग इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सर्विस नहीं एडवाइजरी इन्वेस्टमेंट एक ऑडिटर एक ऑडिटर इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सर्विस नहीं सकता है एडवाइजरी इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंटवाइज नहीं सकता है डिजाइनिंग एंड इंप्लीमेंट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम नहीं सकता है मैनेजमेंट सर्विसेज जो वर्ड है यहां पर यह अलग है एक्चुअल सर्विसेज फ्यूचर को प्रेडिक्ट करना उसके बेस पे प्रेजेंट के कैलकुलेशन करना एक्चुअल सर्विसेज नहीं सकता है आउटसोर्स फाइनेंशियल सर्विसेज नहीं सकता है इंटरनेट सर्विसेज नहीं सकता है अकाउंटिंग सर्विसेज नहीं सकता है ठीक है बहुत सिंपल सा कुछ भी इसमें नया नहीं है कुछ भी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है फटाफट इसको निपटाना है आपका पी डॉट एट हंड्रेड प्रोहिबिटेड सर्विसेस अंडर सेक्शन वन फोर्टी फोर अंडर सेक्शन वन फोर्टी फोर सिंपल सिंपल सी बातें क्या प्रोहिबिशन है ऑडिटर कैन नॉट गिव सर्टन सर्विसेस एज सर्टन सर्विसेस

अब कौन सी कौन सी सर्विसेस नहीं दे सकता है बैड माफिया बैड माफिया बी फॉर बैंकिंग इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सर्विसेस नहीं दे सकता है ए फॉर एडवाइजरी ऑडिटर नहीं दे सकता है देखो एक चार्ट अकाउंटेंट ये सर्विसेज ठीक है इंडिपेंडेंटली किसी को भी दे सकता है लेकिन ऑडिटर ये सर्विसेज अपने क्लाइंट को नहीं दे सकता है। इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विसेस डिजाइनिंग एंड इंप्लीमेंटिंग फाइनेंशियल इन्फो सर्विसेस आप पूरा उनका फाइनेंशियल अकाउंटिंग सिस्टम डिजाइन करके दे रहे हैं ये नहीं होगा मैनेजमेंट सर्विसेस नहीं दे सकते एक्चुरील एक्चुरील सर्विस नहीं दे सकते आउटसोर्स्ड फाइनेंशियल सर्विस नहीं दे सकते इंटरनॉइड सर्विस दे सकते अकाउंटिंग एंड बुककीपिंग सर्विसेज नहीं दे सकते प्रोहिबिशन है ये सर्विसेस नहीं दे पाओगे दी सर्विसेस कैन नॉट बी गिवन अदर सर्विसेस बिल्कुल अदर सर्विसेस जैसे रिक्रूटमेंट सर्विसेस कैन बी गिवन बट सर्विसेज देने के पहले प्रायर अप्रूवल लगेगा प्रायर अप्रूवल फ्रॉम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फ्रॉम ऑडिट कमिटी और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एज द केस में भी अगर आपकी ऑडिट कमेटी है तो उनसे लीजिए ऑडिट कमेटी नहीं है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से आप लीजिए प्रायर अप्रूवल बिल्कुल लगेगा सी कैटेगरी दोस्तों बट यू नेवर नो इस पर भी कुछ छोटा मोटा पूछ ले कुछ हम बोल नहीं सकते एक्चुरियल सर्विसेस एक्चुरियल सर्विसेस दोस्तों बहुत ही सिंपल सी सर्विस है जहां पे फ्यूचर को प्रेडिक्ट किया जाता है फ्यूचर कैश इनफ्लोज आउट कितने होंगे इसको प्रेडिक्ट किया जाता है सिंपल है ना बहुत कॉम्प्लिकेड होता है एक्चुअली लेकिन सिंपल फॉर्म में आपको बता रहा हूँ प्रडिक्ट किया जाता है एक्चुअलीज यही काम करते हैं इंश्योरेंस कंपनी में जाते हैं प्रडिक्ट करते हैं कि कितना कैश आउटफ्लो इन्वॉल्व रहेगा ठीक है इंश्योरेंस पॉलिसीज में और उसका फिर प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं और उसके हिसाब से तय करते हैं कितना प्रीमियम होना चाहिए पर्टिकुलर क्लास ऑफ पॉलिसीज का क्या प्रीमियम होना चाहिए डिसाइड करें तो एक्चुअलीज बताते हैं फ्यूचर को ध्यान में रख के कि आज इंश्योरेंस प्रीमियम कितना होना चाहिए फ्यूचर को ध्यान में के आज कितना प्रोविजन बनाना चाहिए ये सारी चीजें फ्यूचर में क्या होने वाला है उसको प्रेडिक्ट करके ठीक है कोई आपको पूछने नहीं वाला कि एक्चुअल सर्विसेज के अंदर क्या होता है बस इतना ही है सो गाइस so हमारे दिमाग में अभी एब्सोलूट क्लैरिटी आ चुकी एब्सुलट क्लैरिटी आ चुकी है कि हम लोग एक चार्ट अकाउंट इन प्रैक्टिस क्या काम कर सकता है क्या काम नहीं कर सकता है जो लिस्ट में है वो काम कर सकता है जो लिस्ट में नहीं नहीं है है वो काम नहीं कर सकता है। और अगर आप ऑडिट कर रहे हो तो भाई साहब कुछ सर्विसेज आप आपके क्लाइंट को नहीं दे सकते हो बाकी क्लाइंट्स को दीजिए फाइन ऑडिट वाले क्लाइंट को ये सर्विसेज आप नहीं दे सकते अकाउंटेंसी सर ये क्या फंडा है एक सेक्शन 25 है जो इन जनरल बैन कर देता है कि चार्ट अकाउंटेंट्स चार्ट अकाउंटेंट्स ठीक है सेक्शन 25 बैन करता है कि भाई चार्ट अकाउंटेंट्स इंडिविजुअल फॉर्म में प्रैक्टिस करें बहुत बढ़िया चार्ट अकाउंटेंट्स पार्टनरशिप फॉर्म में प्रैक्टिस करें बहुत बढ़िया कंपनी बनाकर प्रैक्टिस ना करें एक जनरल ब्लैंकेट बैन है कंपनी बनाकर आप ना करें कंपनी बनाकर सीएस की कंपनी बनाकर सीए सर्विसेज ना दे ठीक है इसका एक्सेप्शन है मैनेजमेंट कंसल्टेंसी कंपनी मैनेजमेंट कंसल्टेंसी कंपनी एक्सेप्शन है कि कुछ लिमिटेड सेट ऑफ सर्विसेज को आप कॉर्पोरेट फॉर्म में दे सकते हो इन जनरल इन जनरल सेक्शन ट्वेंटी फाइव बोलता है प्रोहिबिट्स कंपनीज इंक्लूडिंग कंपनीज कंपनी बनाकर प्रैक्टिस नहीं कर सकते या फिर ऐसी एलएलपी जिसमें पार्टनर कंपनी है कंपनी की इनडायरेक्ट एंट्री भी नहीं हो सकती चार्ट अकाउंटेंसी सर्विसेज बहुत सेंसिटिव सर्विसेज है बहुत इंपॉर्टेंट सर्विसेज है लोगों ने अपने नाम पर सर्विस देना चाहिए जिम्मेदारी लेकर काम करना चाहिए इसीलिए कंपनी बनाकर सर्विसेस मत दो ये पुरानी सोच थी सेक्शन ट्वेंटी उसको प्रोहिबिट करता था इसका एक्सेप्शन है मैनेजमेंट कंसल्टेंसी कंपनी ठीक है एल कैन बी अपॉइंटेड एज ऑडिटर इफ दे हैव कंपनी उसी बात को रिपीट कर रहे आप कंपनी फॉर्म में प्रैक्टिस मत करिए ऐसी एलएलपी जिसमें एक पार्टनर कंपनी है मतलब कंपनी की इंडायरेक्ट एंट्री है ऐसी एलएलपी भी आप ऐसी एलएलपी भी अकाउंटेंसी सर्विसेस नहीं दे सकती फिर आगे बहुत सिंपल बात बोली है कि अगर एल एल पी ऑथराइजेशन एल एल पी आप बनाइए ना आप एक प्रॉपर एल बनाई है आपने जिसमें कोई भी कंपनी नहीं है बिल्कुल वेल्ड फॉर्म प्रैक्टिस करिए ऑडिट करिए लेकिन ध्यान रखिए ऑडिट को लीड करना करनाइज टू जो एक्ट करेगा और साइन करेगा वो पार्टनर कौन सा होना चाहिए सीए इन प्रैक्टिस आगे हम देखेंगे हमारे पार्टनर्स चार्ड अकाउंटेंट के अलावा कंपनी सेक्रेटरीज हमारे पार्टनर हो सकते हैं सीडब्ल्यू एस आपके पार्टनर हो सकते हैं लेकिन ध्यान रखिएगा ये पार्टनर हो सकते हैं ठीक है लेकिन जो ऑडिट का काम है सिर्फ वही पार्टनर करेगा जो चार्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस है नहीं करोगे पेनाल्टी है पहली बार में वन थाउजेंड नहीं तो फिर बाद में सबसिक्वेंट फाइव थाउजेंड आइए ठीक है सर कौन सी कैटेगरी है ये बी कैटेगरी मैंने आपको बताया बी कैटेगरी पी डॉट एट ट्वेंटी अकाउंटेंसी सर्विसेस इन कंपनी फॉर्मैट आइए सबसे पहली बात बोलते हैं लोग प्रोहिबिशन अकाउंटेंसी सर्विसेस मतलब ही आपके सीएर सर्विसेस आर सेंसिटिव कॉमा कैन बी गिवन इन प्रोपराइटर पार्टनरशिप फॉर्म प्रोपराइटर पार्टनरशिप फॉर्म में आप बिल्कुल इसको दे सकते हैं बट नॉट इन कंपनी फॉर्म कॉरपोरेट फॉर्म में आप इन जनरल जनरल बैन है प्रोहिबिशन है कि आप कंपनी फॉर्मैट कंपनी बनाकर अकाउंटेंसी सर्विसेस नहीं दे सकते इसका एक्सेप्शन है इसका एक्सेप्शन है मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सिर्फ कुछ लिमिटेड सर्विसेस आप कंपनी फॉर्म में दे सकते हैं प्रैक्टिस इन एलएलपी फॉर्म

फिर ये अलाउड नहीं है फिर इफ कंपनी इज नॉट पार्टनर देन दैट एल एल पी कैन प्रोवाइड सी ए रिलेटेड सर्विसेस एब्स्यूट लिप है इफ सच एल अगर प्रोवाइड कर रहे एकदम नॉर्मल एल एल पी है जिसमें कंपनी पार्टनर नहीं है इफ सच एल पी इज गिविंग ऑडिट सर्विसेस देन ओनली दैट पार्टनर ओनली दैट पार्टनर हु इज सी एन प्रैक्टिस सिर्फ वो पार्टनर जो कि एक सी ए इन प्रैक्टिस है कैन एक्ट एंड साइन ऑडिट रिपोर्ट तो देखो एल में जैसे ही कंपनी की एंट्री होगी प्रोहिबिशन लग जाएगा बाकी एल लोग प्रैक्टिस कर सकते अगर एल प्रैक्टिस भी कर रहा है तो ऑडिट का काम कौन करेगा बस वो पार्टनर जो सीए इन प्रैक्टिस हो बाकी पार्टनर्स कंपनी सेक्रेटरीज सीएमएस लॉयर्स वो लोग ऑडिट का काम नहीं कर सकते पेनाल्टी बहुत सिंपल है पहले भी हम लोग पढ़ चुके इसके बारे में फर्स्ट कन्विक्शन इसमें भी क्या ही बोलू मैं आपको अगर कंपनी बनाकर आपने काम कर लिया तो पहला अप टू वन थाउजेंड सब्सिक्वेंट कन्विक्शन दूसरी बार अगर ऐसा करोगे तो अप टू फाइव थाउजेंड तो बहुत सिंपल सिंपल बातें आपको ध्यान रखनी है बी कैटेगरी है ठीक है बी कैटेगरी है बहुत सिंपल आप कंपनी फॉर्मेट में प्रैक्टिस नहीं कर सकते एक आपका एक्सेप्शन है मैनेजमेंट कंसल्टेंसी कंपनी का लिमिटेड सर्विस आप दे सकते हो एल एल पी के थ्रू कंपनी की एंट्री नहीं हो सकती एल एल पी में कंपनी ने बिंदास सर्विस दो लेकिन ऑडिट सर्विस देंगे तो बी केयरफुल और पेनाल्टी तीन बातों पे आपको बात करनी है प्रोहिबिशन क्या है उस पर आपको बात करनी है एल एल पी के बारे में आपको बात करनी है और पेनाल्टी जो है पेनाल्टी के बारे में आपको सिंपल सी बात करनी है तो दोस्तों बी कैटेगरी है एंड दिस कैन कम सो गाइज आइए हम लोग पढ़ रहे हैं बहुत ही प्यारा सा चैप्टर दैट इज प्रोफेशनल एथिक्स उसकी जो इनिशियल चीजें हैं इनिशियल चीजें हम लोग देख रहे हैं इनिशियल चीजें थोड़ी सी आपकी लेंदी सी है थोड़ी सी ठीक है आ, इतनी इंटरेस्टिंग नहीं भी है लेकिन इंपॉर्टेंट है इसका पूरा नॉलेज होना चाहिए अभी तक हम क्या पढ़ चुके अब हम सी ए इन सी ए के मेंबरशिप के बारे में सारे डिटेल्स हम समझते हैं सारे डिटेल्स हम लोग जानते हैं ठीक है मेंबरशिप रिलेटेड सारी बातें हम लोग देख चुके सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस से रिलेटेड सारी बातें हम लोग देख चुके फिर उसके बाद में हम कौन सी सर्विसेज दे सकते हैं कौन सी सर्विसेज हम नहीं दे सकते ये पूरा डिस्कशन हम लोग कर चुके और इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट था मैनेजमेंट कंसल्टेंसी एंड अदर सर्विसेस अब अब हम लोग आगे पढ़ रहे दोस्तों एंड दैट्स गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग वेरी इंपॉर्टेंट जस्ट अ मिनट गाइज मुझे एक मिनट दीजिए आइए दोस्तों नाउ वी आर गोइंग टू सी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज हम लोग देखने वाले हैं एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट क्या हम लोग देखने वाले हैं आइए सेक्शन सेवन सेक्शन सेवन हम लोग देखने वाले हैं सर सेक्शन सेवन क्या है बड़ी प्यारी चीज है सेक्शन सेवन पी डॉट एट फोर्टी हमारा सेक्शन सेवन है और ये सेक्शन सेवन कुछ प्रोहिबिशंस क्लरिफिकेशन आपको देगा क्लैरिफिकेशन तीन चीजों को लेकर फॉर प्रीफिक्स डेजिग्नेशन एंड अदर लेटर्स

सीए टावरी, चार्टर्ड अकाउंटेंट सी ए टावरी, चार्ट अकाउंटेंट बी कॉम ठीक है अगर मैं ऐसा लिख रहा हूं तो दोस्तों आप ध्यान से देखिएगा ये जो है ये है प्रीफिक्स ये है प्रीफिक्स तो सीए प्रीफिक्स के बारे में बातें करेंगे नाम के नीचे नाम के नीचे जो बात लिखी जाती है जिससे मेरा प्रोफेशन समझ में आता है मैं क्या काम करता हूं समझ में आता है जिससे मेरा प्रोफेशन मेरा ऑक्यूपेशन समझ में आता है उसको डेजिग्नेशन उसके नीचे अदर लेटर्स अदर लेटर्स और डिस्क्रिप्शन अदर लेटर्स और डिस्क्रिप्शन तो ये आपकी तीन चीजें ये आपकी तीन चीजें यहां पे कवर होने वाली है दोस्तों प्रीफिक्स आपका कवर होने वाला है प्रीफिक्स में क्या आएगा आपके डेजिग्नेशन में क्या आएगा और अदर लेटर्स और डिस्क्रिप्शन में क्या आएगा इससे रिलेटेड बातें की हुई है आइए बहुत सिंपल सी बातें हैं प्रीफिक्स के बारे में एकदम सिंपल है जैसे ही कोई भी पर्सन को सीए मेंबरशिप मिलती है वो प्रीफिक्स सीए यूज कर सकता है ऑफ वो बंदा प्रैक्टिस में हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता प्रैक्टिस में हो या ना हो इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा दोस्तों इट डजेंट मैटर जैसे ही कोई बंदा सीए की मेंबरशिप ले लेता है सीए प्रीफिक्स बिंदास यूज करो तो प्रैक्टिस वाले भी इसको यूज कर सकते हैं और जो लोग प्रैक्टिस नहीं कर रहे जो लोग जॉब में या बिजनेस में है वो लोग भी इसको यूज कर सकते प्रीफिक्स के बारे में बात की है प्रीफिक्स के बारे में बात की दोस्तों prefix, prefix, name, irrespective, irrespective में और खास बात अगर कोई बंदे के पास में कोई बंदे ने सी है, कुछ लोगों को पढ़ने का बहुत ही शौक रहता पढ़ने का इतना शौक रहता उनका शौक खत्म ही नहीं होता मतलब बंदा सीए भी कर रहा है ठीक है मतलब जन्मों जन्मों से वो पढ़ते ही रहता है उसको पढ़ने में इतना मजा आता है पढ़ पढ़ ही ही रहा है रहा है पढ़ ही रहा है नहीं वी ड्यू रिस्पेक्ट है जिसको डिग्रीज बहुत पसंद है ड्यू रिस्पेक्ट बिंदास बहुत आप डिग्रीज लो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है अब बंदा डॉक्टर भी बन जाता है पी एच डी भी लेता है डॉक्टरेट भी मिल गई उसको तो क्या वो खुद को डॉक्टर बुला सकता है यस सी ए डॉक्टर डॉक्टर सी इन एनी सीक्वेंस एब्सोल्युटली फाइन एब्सोल्युटली फाइन आइए प्रीफिक्स के बारे में लिखते हैं हम लोग लेट्स टॉक अबाउट प्रीफिक्स अगर मैं बात करता हूं प्रीफिक्स की एस पर्सन बिकम्स मेंबर ऑफ आई सी ए आई जैसी मेंबर बनेगा ही कैन यूज प्रीफिक्स प्रीफिक्स ये यूज कर सकते हैं इेस्पेक्टिव ऑफ वेदर इन प्रैक्टिस और नॉट प्रैक्टिस में हो नहीं हो फर्क नहीं पड़ता इसमें इंस्टीट्यूट ने बोला स्टूडेंट कैनॉट यूज इट टिल दे बिकम मेंबर तो आजकल बच्चे सी ए बनने से पहले ही अपने इंस्टाग्राम पे अपने लिंकड इन पे अपने ईमेल एड्रेस पे सी ए लगा देते हैं ठीक है और तो कुछ तो और भी जबरदस्त होते हैं एफ सी ए लगा देते हैं फ्यूचर चार्ट अकाउंट तो इंस्टीट्यूट ने बोला ये दो लेटर्स को इस तरीके से आप यूज मत करिए प्लीज ठीक है इसको कमाना पड़ता है इसको कमाना पड़ता है आप ऐसे कहीं पर भी आप सीए uh, के नाम से ईमेल आईडी खोल रहे सीए के नाम से इंस्टा प्रोफाइल खोल रहे हैं सीए के नाम से आप लिंक्डइन uh, प्रोफाइल खोल रहे आप सी लगा दे रहे हो अपने नाम के सामने यह अच्छी बात नहीं है स्टूडेंट कैनॉट यूज इट टिल बिकम तो प्रीफिक्स के बारे में पहले उन्होंने क्लैरिटी दी फिर इसके बाद डेजिग्नेशन को लेकर उन्होंने बात बोली डेग्नेशन में अगर प्रैक्टिसिंग सीए है में than, कर सकते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट दैट वो खुद को अकाउंटिंग कंसल्टेंट टैक्स कंसल्टेंट कॉस्ट कंसल्टेंट फाइनेंशियल कंसल्टेंट ठीक है कॉर्पोरेट कंसल्टेंट ऐसे नाम नहीं दे सकते आप सिर्फ खुद का एक ही डेजिग्नेशन होगा चार्टर्ड अकाउंटेंट जो लोग प्रैक्टिस में नहीं है नॉट प्रैक्टिसिंग डू नॉट यूज दार्ड अकाउंटेंट आर परमिट यूज एनी अदर डेजिग्नेशन उनके पास में दो ऑप्शन है या तो चार्ड अकाउंटेंट आप डेजिग्नेशन यूज करिए सिर्फ चार्ड अकाउंटेंट ठीक है सब जगह पे नो एडिशन डिलीशन सब्सट्रैक्शन रैंक होल्डर चार्ड अकाउंटेंट नहीं लिख सकते इट रैंक होल्डर चार्ड अकाउंटेंट सर लेकिन लिखा होता है एस पर प्रोफेशनल इफ यू आर अ प्रैक्टिसिंग चार्ड अकाउंटेंट सीओ पी आप नहीं सीओपी हो या फिर उसके बाद में सीओपी नहीं भी हो सिर्फ चार्ड अकाउंटेंट रैंक होल्डर चार्ड अकाउंटेंट नॉट अलाउड ठीक है नो एडिशन नो डिलीशन सिर्फ चार्टर्ड ऐसा भी नॉट अलाउड या फिर चैक्स आजकल हर चीज का शॉर्ट फॉर्म हो गया नो एडिशन नो डिलीशन नो मॉडिफिकेशन नथिंग ओनली चार्ड अकाउंटेंट जब पूरा इंडिया साढ़े चार लाख लोग एक साथ एक ही वर्ड यूज करेंगे इट बिकम्स ब्रांड उसका रिकॉग्निशन इंप्रूव होता है तो सिर्फ चार्ट अकाउंट अगर आपको दूसरा ऑप्शन है चार्ट अकाउंट अगर आपको यूज नहीं करना नॉन प्रैक्टिसिंग के लिए बोल रहा हूं जो यूज करना है करो कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आपको नॉन प्रैक्टिसिंग के अंदर फिर अगर आपको खुद को बोलना है यू आर अ फोटोग्राफर डू इट यू आर अ प्रोफेसर डू इट यू आर अ डिजाइनर डू इट जो आपको बोलना है बोलिए फर्म सीए फर्म अब सीए फर्म तो प्रैक्टिसिंग सीए फर्म के इसमें चार्ट अकाउंटेंट्स प्लूरल चार्ट अकाउंटेंट्स आप ऐसा लिख सकते हैं तो बहुत सिंपल सी बात है डेजिग्नेशन की डेजिग्नेशन की बात है डेजिग्नेशन में पहले CA in practice can use only one designation without any changes. क्या है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट चार्टर्ड अकाउंटेंट सी ए नॉट इन प्रैक्टिस जो प्रैक्टिस में नहीं है उसके पास दो ऑप्शन है ऑप्शन वन यूज चार्ट अकाउंटेंट चार्ड अकाउंटेंट आप यूज करिए यूज चार्ड अकाउंटेंट अगेन विदाउट एनी चेंजेस बिना किसी चेंज के आप चार्ड अकाउंटेंट यूज करिए यह आपका ऑप्शन नंबर वन है <laughs> भाई कुछ लोग बोल रहे होंगे सर सास भी लेना है तो इंस्टीट्यूट के हिसाब से लेना है क्या बिल्कुल दोस्तों बहुत सेंसिटिव प्रोफेशन है इंपॉर्टेंट प्रोफेशन है इन बातों का ख्याल रखना पड़ेगा ताकि खुद की इज्जत को हम संभाल के रखें लोगों के ट्रस्ट को हम संभाल के रखें ऑप्शन टू कैन यूज एनी अदर डेजिग्नेशन विदाउट रेफरिंग टू चार्टर्ड अकाउंटेंट कोई भी दूसरे एग्जाम्पल के तौर पर आप खुद को अगर आप आप खुद को आ, फिर आप अगर आप आ, आपके पास में सीओपी नहीं है इफ यू डोंट हैव सीओपी आप खुद को डिजाइनर बोल सकते हो ठीक है प्रोफेसर बोल सकते हो एक्सेट्रा जो बोलना है बोलो कोई प्रॉब्लम नहीं है ठीक है तो जो प्रैक्टिस वाले लोग हैं, जो प्रैक्टिस वाले लोग हैं उनके पास में कोई ऑप्शन नहीं है चार्ड अकाउंटेंट या नहीं चार्ड अकाउंटेंट डेट्स इट जो लोग प्रैक्टिस में नहीं है उनके पास में दो ऑप्शन दे हैव टू ऑप्शंस। उनके पास में आपके दो ऑप्शंस रहेंगे ठीक है आइए अब अगला सबसे मजेदार अगला आपका सबसे मजेदार है अदर लेटर्स और डिस्क्रिप्शन अदर लेटर्स और डिस्क्रिप्शन आइए इसके बाद हम एक ब्रेक ले लेंगे इसके बाद इसको एक बार कंप्लीट कर ले हम लोग अदर लेटर्स और डिस्क्रिप्शन दिस सेक्शन डज नॉट प्रोहिबिट एडिंग अदर लेटर्स और डिस्क्रिप्शन विथ पर्सन नेम आप अदर लेटर्स और डिस्क्रिप्शन बिल्कुल लिख सकते हो कोई प्रोहिबिशन नहीं है आप नाम के नीचे और कुछ लेटर्स और कुछ डिस्क्रिप्शन एड कर सकते हो लेकिन एड करिए लेकिन क्या एड कर सकते हो उसको लेकर प्रोहिबिशन है उसको लेकर क्लैरिफिकेशन है कंडीशन फॉर मेंबरशिप ऑफ क्वालिफाई अदर अकाउंटेंसी बॉडी अब ये जो आप बातें लिखने वाले हो ठीक है अदर लेटर्स और डिस्क्रिप्शन अगर ये कहीं पर भी कनेक्टेड है दूसरे अकाउंटेंसी बॉडी से जैसे दूसरे अकाउंटेंसी बॉडी फॉर एग्जाम्पल सी अकाउंटेंसी सर्विसेज की बात करता है तो वो अदर अकाउंटेंसी बॉडी हो गया आपका यूएस का अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड प्रोफेशनल अकाउंटेंट ए आई सी पी ए वो अदर अकाउंटेंसी बॉडी हो गया सी एफ ए अदर अकाउंटेंसी बॉडी हो गया अगर आपको अदर लेटर्स और डिस्क्रिप्शन में कुछ भी लिखना है विच इज रिलेटेड टू अदर अकाउंटेंसी बॉडी दे कैन इंडिकेट मेंबरशिप ऑफ ऑफ एनी एनी इंस्टीट्यूट इंस्टीट्यूट अदर अकाउंटेंसी आइदर इन इंडिया और अब्रॉड फिर वो इंडिया में हो सकता है अब्रॉड को हो सकता है मस्ट बी रिकॉग्नाइज बाय काउंसिल काउंसिल ने अप्रूव करना चाहिए तो बहुत सिंपल है कुछ भी लिखना है दूसरे अकाउंटेंसी बॉडी से कनेक्टेड तो इंस्टीट्यूट ने उसको अप्रूव करना चाहिए फॉर एग्जांपल इंस्टीट्यूट ने बोला आप खुद को सीए में लिख सकते हो यू कैन राइट यू यू कैन कैन राइट राइट लेटर्स लेटर्स अगर आपने वो एग्जाम भी क्लियर किए तो सीए में लिखो लेकिन आप ठीक है सीए में लिखो कोई प्रॉब्लम नहीं एब्सोल्युटली फाइन आप खुद को कॉस्ट अकाउंटेंट नहीं लिख सकते हो। तो इंस्टीट्यूट ने सीए में लिखना अलाउ किया वही इंस्टीट्यूट ने सीपीए के बारे में कुछ नहीं बोला है सीपीए के बारे में कुछ नहीं बोला है तो मतलब आप नहीं लिख सकते दूसरे अकाउंटेंसी बॉडी से अदर अकाउंटेंसी बॉडी रिलेटेड एनी थिंग कैन बी रिटर्न ओनली इफ इट इज परमिटेड बाय काउंसिल दूसरे अकाउंटेंसी बॉडी के बारे में कुछ भी लिखना है उनके उनके मेंबर उनके क्वालिफिकेशन उनके मेंबरशिप कुछ भी अगर आपको लिखना है तो पहले काउंसिल का परमिशन लगेगा इसके अलावा कोई दूसरे क्वालिफिकेशन है कोई दूसरे क्वालिफिकेशन हम अकाउंटेंसी बॉडीज की बात नहीं कर रहे वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट अकाउंटेंसी बॉडीज ठीक है द पर्सन इज टू इंडिकेट एनी अदर क्वालिफिकेशन दे दे फॉर एग्जाम्पल अकाउंटेंसी बॉडी की बात नहीं करो अगर मैं बोलता हूं कि एक इंस्टीट्यूट है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कोर्सेस चलाती है नाउ दिस इज अदर देन अकाउंटेंसी बॉडी अदर देन अकाउंटेंसी बॉडी उसके बारे में लिखो उससे रिलेटेड क्वालिफिकेशन मेंबरशिप लिखो ठीक है काउंसिल की परमिशन नहीं चाहिए लेकिन वो qualifications, वो क्वालिफिकेशंस क्वालिफिकेशंस जो है इट शुड बी रिकॉग्नाइज बाय इंडियन लॉ जो भी है इंडियन लॉ अगर वो अकाउंटेंसी वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो बॉडी है ठीक है वो रिकॉग्नाइज बाय इंडियन जो एजुकेशन सिस्टम है इंडियन एजुकेशन सिस्टम में वो रिकॉग्नाइज होना चाहिए तो बिल्कुल लिखिए रिकॉग्नाइज बाई इंडियन लॉ तो अगर आपको यूनिवर्सिटी डिग्रीज डिग्रीड फ्रॉम प्रोविजन ऑफ सेक्शन सेवन भाई कोई आपने यूनिवर्सिटी से कोई कोर्स वोर्स किया है ठीक है वो अकाउंटेंसी बॉडी से कोई है यूनिवर्सिटी बॉडी बिंदास लिखो कोई प्रॉब्लम नहीं शन क्वालिफिकेशन अकाउंटी कैन भी कंफर्ड बाई अदर इंस्टीट्यूट नोटेबली एन एक्जन बीन ग्रांटेडीट्यूट को एग्जामिशन दिया हुआ है तो बहुत सिंपल सी एक ये बात बोल रहे बात को समझिए आइए अदर लेटर्स और डिस्क्रिप्शन अदर लेटर्स और डिस्क्रिप्शन आइए इसमें इफ इट इज रिलेटेड टू अदर अकाउंटेंसी बॉडीज

वी कैन राइट अबाउट क्वालिफिकेशन और मेंबरशिप ओनली इफ अप्रूव्ड बाय आई सी ए आई अप्रूव्ड बाय आई सी ए आई काउंसिल जब तक आईसीएआई काउंसिल उसको अप्रूव नहीं करता जब तक आईसीएआई काउंसिल उसको अप्रूव नहीं करता तब तक हम उसको नहीं लिख सकते ठीक है एग्जाम्पल एग्जाम्पल के तौर पे आईसीआई अलाउड टू राइट लेटर्स सी एम ए नॉट कॉस्ट अकाउंटेंट आप खुद को कॉस्ट अकाउंटेंट नहीं लिख सकते सी एम ए ऐसा लिख सकते But it has not allowed. But it has not allowed to write CPA, CFA, ACCA, CMA, etc. ये से जो बाकी अकाउंटेंसी बॉडीज है इसका प्रेफरेंस नहीं दे सकते इफ नॉट रिलेटेड टू अदर अकाउंटेंसी बॉडीज Like Law Institutes, Law Institutes, Universities. टेक्नोलॉजी बॉडीज एक्सेट्रा देन आई सी आई अप्रूवल नॉट रिक्वायर्ड बट इट शुड बी रिकोगनाइज बाय इंडियन लॉ अगर अकाउंटेंसी बॉडीज ने बिंदास जैसे लॉ रिलेटेड इंस्टीट्यूट है यूनिवर्सिटीज है टेक्नोलॉजी बॉडीज है बिंदास उनसे आपने कोई कोर्स किया है लिखिए ना इट शुड बी रिकॉग्नाइज बाई इंडियन लॉ इंडियन लॉ के हिसाब से ये कोर्सेज वैलिड होने चाहिए ठीक है तो बिल्कुल आप लिखिए आप खुद को एल एल बी लिखना चाहते बिल्कुल लिखिए ये अदर ठीक है रिलेटेड टू नॉट रिलेटेड टू अदर अकाउंटेंसी बॉडीज है आप खुद को एल एल बी लिखना चाहते बिंदास लिखिए आप खुद को बी कॉम लिखना चाहते बिंदास लिखिए करेक्ट आप खुद को ए आई ठीक है ए कोई डिग्री है एम बी ए लिखना है तो बिंदास लिखिए ए डिप्लोमा है बिंदास लिखिए कोई प्रॉब्लम नहीं है बिंदास अकाउंटेंसी बॉडीज अदर अकाउंटेंसी सी इंस्टीट्यूट के अलावा जो है अदर अकाउंटेंसी बॉडीज में सी इंस्टीट्यूट की परमिशन लगती है इसके अलावा जो बॉडीज है उसमें कोई परमिशन नहीं लगती है सिर्फ इंडियन एजुकेशन सिस्टम ने उसको रिकॉग्नाइज करना चाहिए अब इसी से रिलेटेड छोटे छोटे क्लैरिफिकेशन इसी से रिलेटेड छोटे छोटे क्लैरिफिकेशन आइए फटाफट इसको कर लेते हैं छोटे छोटे क्लैरिफिकेशन आपके क्लैरिफिकेशन क्या क्या है मर्चेंट बैंकर्स एडवाइजर ये बहुत बहुत ही इंटरेस्टिंग है बहुत इंटरेस्टिंग केस है फॉर्म सेबी के पास जा सकते हैं खुद को रजिस्टर करवा सकते हैं एज अ मर्चेंट बैंकर जो कि आईपीओ रिलेटेड सर्विसेज दे सकते बिल्कुल रजिस्टर करवाइए और लोगों को आईपीओ में मदद कर सकते हैं बिल्कुल मदद करिए कोई प्रॉब्लम नहीं है और अब प्रोस्पेक्ट में प्रोस्पेक्टस में एड में अलग अलग डॉक्यूमेंट्स में सीए सी ए फॉर्म का नाम आ सकता है इंस्टीट्यूट ने बोला नाम आ सकता है और वहां पे लिख सकते हैं एडवाइजर टू इशू वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है एडवाइजर और कंसल्टेंट टू इशू आप रजिस्टर करवाइए एडवाइजर कंसल्टेंट टू इशू आपके ऑफर डॉक्यूमेंट्स में एडवर्टीजमेंट में बिल्कुल लिख सकते हैं एडवाइजर कंसल्टेंट टू इशू बट नॉट प्रोमिनेंटली बहुत ज्यादा बोल्ड करके हाईलाइट करके लिख रहे हैं ऐसी चीज अलाउड नहीं सिंपल आपका नाम आ सकता है नो प्रॉब्लम एट ऑल इन एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि प्रोस्पेक्टस और एडवर्टीजमेंट में मर्चेंट बैंकर लिखा है सीए सी फर्म के नीचे मर्चेंट बैंकर नहीं आ सकता है एडवाइजर टू इशू कंसल्टेंट टू इशू आ सकता है और विजिटिंग कार्ड पे और लेटर हेड पे तो आज भी चार्ड अकाउंटेंट ही अलाउड है सिर्फ प्रोस्पेक्ट ऑफर डॉक्यूमेंट्स और आपके एडवर्टीजमेंट में यह आ सकता है बाकी आपके रेगुलर स्टेशनरी पे यू विल बी कॉल्ड चार्ड अकाउंटेंट ओनली बहुत इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन अब इससे रिलेटेड अब इससे रिलेटेड क्लैरिफिकेशन ऐसे क्लैरिफिकेशन पूरे प्रोफेशनल एथिक्स में आते रहेंगे और ये क्लैरिफिकेशन के ऊपर ही एग्जाम में क्लैरिफिकेशन के ऊपर ही एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले दोस्तों क्लैरिफिकेशन के ऊपर ही एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे तो अगर मैं क्लैरिफिकेशन की बात करता हूं आइए पहला क्लैरिफिकेशन है फर्स्ट क्लैरिफिकेशन इज अबाउट मर्चेंट बैंकर क्या बोला है एक सिंपल सी बात बोली है क्या सिंपल सी बात बोली है कैन रजिस्टर्ड विथ सेबी एज मर्चेंट बैंकर हो जाइए कोई प्रॉब्लम नहीं है इन ऑफर डॉक्यूमेंट्स आपके जो ऑफर डॉक्यूमेंट्स है ऑफर डॉक्यूमेंट्स है आपके प्रोस्पेक्टस है इन ऑफर डॉक्यूमेंट्स प्रोस्पेक्टस या से या आपके एडवर्टीजमेंट्स इन ऑफर डॉक्यूमेंट्स एडवर्टीजमेंट कैन राइट एडवाइजर कंसल्टेंट टू इश्यू फ़ाइन But in regular stationery, like letterhead, comma visiting card, only chartered accountant. मल्टीपल टाइम्स एग्जाम में पूछा हुआ है इज अलाउड भाई प्रॉस्पेक्टर्स में तुमको बोला जाएगा ना एडवाइजर टू इश्यू कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको बोला जाएगा कंसल्टेंट इश्यू कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन आपके रेगुलर इसमें तो आपको क्या बोला जाएगा रेगुलर इसमें आपका बोला जाएगा सिंपल रेगुलर इसमें आपका क्या बोला जाएगा दोस्तों रेगुलर इसमें यू विल बी स्पेसिफाइड एज यू विल बी स्पेसिफाइड एज बॉट उंटेंट ओनली उसका आप ख्याल रखिये एग्जाम में एग्जैक्टली exactly अपोजिट था इसका ऑफर डॉक्यूमेंट में खुद को मर्चेंट बैंक बोला हुआ है और लेटर हेड पे एडवाइजर टू इशू गलत ठीक है आपको एग्जामेशन सिर्फ कुछ डॉक्यूमेंट्स में मिला है वो भी एक चीज लिखने का मिला है बाकी इसमें जैसा था वैसे ही डायरेक्टरशिप में क्लैरिफिकेशन है institute members are restricted from mentioning their positions positions in companies political parties clubs or other organization जब आप description और other letters की बात करते हैं ठीक है डिस्क्रिप्शन अदर लेटर्स की बात करते हैं तो आपके आप खुद को बहुत सुपीरियर बनाने की कोशिश मत करो तो सर ये सार, ये सारी बातें आप आपके रेज्यूमे में लिख सकते हो, बायोडाटा में लिख सकते हो लेकिन आपके नाम के लिए जो डिस्क्रिप्शन है उसमें खुद को बोस्ट करने की कोशिश मत करो दूसरों से सुपेरियर बनाने की कोशिश मत करो पोजीशन इन द कंपनीज एंड पॉलिटिकल पार्टीज नहीं लिख सकते ठीक है जैसे आप डायरेक्टर हो मेंबर हो पॉलिटिकल पार्टी के नहीं लिख सकते पॉलिटिकल पार्टी सेल्स के नहीं लिख सकते वॉयलेशन है सर ये, clarification है। देखो इतने सालों सालों में में 1949 1949 से से अभी अभी तक 1949 से अभी तक ठीक है अलग अलग काउंसिल ने क्लैरिफिकेशन दी है खुद को तीस मार्खा बताने की जरूरत नहीं है नो पोजिशन इन द कंपनीज नो पोजिशन इन द पोलिटिकल पार्टीज कॉस्ट अकाउंटेंट अगर आप हो तो इंस्टीट्यूट ने अलाउ किया है आप खुद को CMA, ए में में एफ सी ए लिख सकते कॉस्ट अकाउंटेंट नहीं बोल सकते कैनॉट डेजिग्नेट कॉस्ट अकाउंटेंट फॉरन इंस्टीट्यूशन फॉरन इंस्टीट्यूट के क्वालिफिकेशन लिख सकते हैं क्या एकदम सिंपल है allowed to टू membership ऑफ फॉरन इंस्टीट्यूट अकाउंटेंसी मस्ट बी रिकॉग्नाइज वो फॉरन इंस्टीट्यूट काउंसिल ने अप्रूव करना चाहिए तो काउंसिल ने बोला है जिन जिन फॉरन इंस्टीट्यूट के साथ में एमओयू एमओयू यू एम ओ यू स्टैंड फॉर मेबरस्टैंडिंग एम आर ए स्टैंड फॉर म्यूचुअल रिकॉग्निशन अग्रीमेंट जो जो इंस्टीट्यूट के साथ एमओयू यू एम आर ए है लिस्ट याद रखने की जरूरत नहीं है ऑस्ट्रेलिया कैनेडा न्यूजीलैंड साउथ अफ्रीका के साथ में है जो जो इंस्टीट्यूट के MOU, है उनके क्वालिफिकेशन उनके और मेंबरशिप लिखिए कोई प्रॉब्लम नहीं है उनके साथ एमओ यू एम आर ए होना इसी का मतलब है कि उनके रेफरेंसेस वो हमारे दोस्त हैं उनके बारे में हम लिख सकते हैं अगला जो कॉन्सेप्ट नंबर है इसी से कनेक्टेड है खुद को कंसल्टेंट या सेक्रेटरी नहीं बता सकते किसी भी तरह का नो no. खुद को कॉर्पोरेट लॉयर नहीं बोल सकते नो no. ठीक है सीपीए अलाउड नहीं है नो क्योंकि इंस्टीट्यूट वो अकाउंटेंसी बॉडी है इंस्टीट्यूट ने अलाउड ही नहीं किया हुआ है इतना लिखते दोस्तों फिर आखिरी ड्यूएल सीओपी में आ जाएंगे मर्चेंट बैंकर के ऊपर क्लैरिफिकेशन है मर्चेंट बैंकर के ऊपर क्लैरिफिकेशन है फिर आपका वेरी इंपॉर्टेंट पोजीशंस कैन नॉट राइट अबाउट जिशंस इन कंपनीस एंड एग्जाम्पल कंपनी में आप डायरेक्टर हो आप वाइस प्रेसिडेंट हो आप कोई पोजीशन हेल्ड कर रहे हो आप आप आपके डिस्क्रिप्शन आप आपके डिस्क्रिप्शन के अंदर ठीक है देखिए जब आप चार्ट अकाउंटेंट लिख रहे हो तो फिर कुछ और नहीं चलेगा दोस्तों चार्ट अकाउंटेंट मतलब सिर्फ चार्ट अकाउंटेंट आप आप ठीक है आप डायरेक्टर हो कहीं कहीं पे तो डायरेक्टर ऑफ सो एंड सो कंपनी डायरेक्टर ऑफ कंपनी ऐसा आप नहीं लिख सकते ठीक है फिर हेड ऑफ सीएसएल ऑफ पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी सीएसएल कांग्रेस सीएसएल ऐसा नहीं लिख सकते आप आपके पोजीशन जैसे ही आप चार्ट अकाउंटेंट लिख देते हो कहीं पर भी आप आपके पोजीशन में आपके पोजीशन के बारे में आप नहीं लिख सकते ठीक है कंपनी के अंदर कोई पोजीशन के बारे में लिख सकते पॉलिटिकल पार्टी के अंदर कोई पोजीशन है उसके बारे में आप नहीं लिख सकते सी के बारे में ऑलरेडी ठीक है आप खुद को सी लिख सकते हो लेकिन कॉस्ट अकाउंटेंट नहीं बुला सकते आप खुद को सीएस लिख सकते हो कंपनी सेक्रेटरी नहीं बुला सकते प्रीफिक्स में एक चीज हमारी रहेगी वो मैं लिख रहा हूं दोस्तों आप भी उसमें ऐड कर सकते हैं कैन यूज प्रीफिक्स डॉक्टर इन एनी सीक्वेंस मतलब डॉक्टर सीए सीए डॉक्टर किसी भी सीक्वेंस में आप लिख सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है फॉरेन okay. इंस्टीट्यूट बहुत सिंपल सी बात है If ICA has signed MOU MRA MOU MRA with foreign institutes then वी कैन रेफर टू देयर क्वालिफिकेशन्स एंड मेंबरशिप्स क्वालिफिकेशन एंड मेंबरशिप्स क्वालिफिकेशन और मेंबरशिप के बारे में बिन्दास दिखिए कोई प्रॉब्लम नहीं है एग्जाम्पल इंस्टीट्यूट्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया कैनेडा याद रखने की जरूरत नहीं है याद रखने की जरूरत नहीं है न्यूजीलैंड साउथ अफ्रीका आपको बता दिया जाएगा ठीक है नॉट राइट कॉर्पोरेट लॉयर कंसल्टेंट ठीक है आखिरी चीज ड्यूएल सीओपी तो बहुत सिंपल सी चीजें क्या हुई थी पास्ट में पास्ट में क्या हुआ कि चार्ट अकाउंटेंट एक क्लाइंट को पाल के बड़ा करता है उसको अकाउंटेंसी सर्विसेज देता है उसको टैक्स सर्विसेज देता है उसको फाइनेंशियल सर्विसेज देता है सब कुछ बहुत बढ़िया चलता है लेकिन जब कोई लिटिगेशन आता है तो चार्ड अकाउंटेंट केस लड़ नहीं पाता कोर्ट ऑफ लॉ में और वो काम लॉयर को देना पड़ता है तो मलाई वाला काम जो है पैसे वाला जो काम है लॉयर को चला जाता है तो सीए इंस्टीट्यूट ने बोला एक काम करो कि हम आपको अलाउ करते हैं कि सीए का सीओपी तो रखो और लॉयर बन के बार काउंसिल का सीओपी भी रखो दोनों सीओपी पी रखो सीए इंस्टीट्यूट ने अलाउ किया सिर्फ एक बात का ध्यान रखना जब सीए प्रैक्टिस कर रहे हो तो तुम्हारे स्टेशनरी पे ऑफिशियल स्टेशनरी पे सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट लिखा होना चाहिए और जब आप कोर्ट वाला काम कर रहे हो तो आपके स्टेशनरी पे सिर्फ एडवोकेट लिखा होना चाहिए दोनों साइमल्टेनियसली यूज़ मत करो इंस्टीट्यूट ने तो अलाउ कर दिया लेकिन बार काउंसिल ने देखा अगर ऐसा करते हैं तो उनके लॉयर्स का नुकसान होगा उनकी प्रैक्टिस कम हो जाएगी तो बार काउंसिल ने अलाउ नहीं किया तो आज के डेट में प्रैक्टिकली ड्यूअल सीओपी अलाउड नहीं है इंस्टीट्यूट ने अलाउ किया है बार काउंसिल ने नहीं किया आइए तो ड्यूएल सीओपी हैज अलाउड ड्यूएल सीओपी ऑफ सीए And mm -hmm. Bar Council CS Institute CS Institute. Mm -hmm. Don't use.

चार्ट अकाउंटेंट फॉर लीगल वर्क एडवोकेट बट बार काउंसिल एंड अदर इंस्टीट्यूट ज नॉट अलाउड सच डूएल सीओपीस सो प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल इंस्टीट्यूट ने हा बोला है लेकिन बाकी लोगों ने हा नहीं बोला ना तो प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल ये क्लैरिफिकेशन से दोस्तों सिंपल सिंपल से क्लैरिफिकेशन यस yes, दोस्तों कुछ नहीं ये क्लैरिफिकेशन आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे हमेशा लेट्स प्लीज गाइज तो बड़ा प्यारा सा है इसमें भर भर के क्वेश्चन पूछेंगे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछेंगे हमने दो सी को यहां पे कंबाइन किया है यहां पे हम लोगों ने 840 के साथ में एंड 860 ये दोनों सी एनओज हम लोगों ने एक साथ कवर कर लिए दोनों ए कैटेगरी है दोस्तों तो आइए बड़ा प्यारा सा बहुत इंपॉर्टेंट है 25 मार्क का चैप्टर है हर चीज के ऊपर केसेस आने के चांस बहुत ज्यादा है आइए अभी तक हमने क्या क्या देखा मेंबरशिप के बारे में सब कुछ जान चुके हम लोग मेंबरशिप कैसे ऑप्टेन करना कितने तरह की मेंबरशिप होती है मेंबरशिप का मेंबरशिप के डिसक्वालिफिकेशन रिमूवल्स और रिस्टोरेशन देख चुके हैं COP का इंपॉर्टेंस और COP का कैंसलेशन सस्पेशन सस्पेंशन रिस्टोरेशन देख चुके उसके बाद में बहुत इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट था मेंबर्स डीम टू बी इन प्रैक्टिस बेसिकली एक लिस्ट दी हुई है सी रिलेटेड सर्विसेज की लिस्ट है वो हम प्यारी सी लिस्ट हम देख चुके हैं उसके अंदर मैनेजमेंट कंसल्टेंसी एंड अदर सर्विसेस आता है लंबा चौड़ा था वो और उसके बाद अभी सेक्शन सेवन था दोस्तों सेक्शन सेवन में वो प्रीफिक्स की बात करते हैं बहुत सिंपल से आप प्रीफिक्स की बात करते हैं कि कोई भी सीए प्रीफिक्स लगा सकते हैं विद इन प्रैक्टिस और नॉट सीए बनने के बाद में स्टूडेंट्स यूज नहीं कर सकते डॉक्टर सीए सीए डॉक्टर भी यूज कर सकते हैं डेजिग्नेशन को लेकर ठीक है अगर आप प्रैक्टिस में हो तो सिर्फ चार्ड अकाउंटेंट नो चेंजेस अलाउड प्रैक्टिस में नहीं हो तो दो ऑप्शन है चार्ड अकाउंटेंट विदाउट एनी चेंजेस या फिर एनी अदर डेजिग्नेशन आप यूज करिए कुछ भी लिखिए जो आपको मन करे डिजाइनर प्रोफेसर फोटोग्राफर जो लिखना है लिखिए फिर डेजिग्नेशन के नीचे आता है डेजिग्नेशन के नीचे आता है अदर डिस्क्रिप्शन एंड लेटर्स अगर वो अदर अकाउंटेंसी बॉडी का है तो काउंसिल का परमिशन लगता है लेकिन इफ इट इज नॉट ऑफ अदर अकाउंटेंसी बॉडी तो काउंसिल का परमिशन नहीं लगता है बस इंडियन लॉ के अंदर इट शुड बी एक्सेप्टेबल डिग्री एक एक्सेप्टेबल चीज होनी चाहिए तो आप बिल्कुल खुद को एलएलबी लिख सकते हो खुद को एमबीए लिख सकते हो एब्सोल्युटली फाइन कोई प्रॉब्लम नहीं है और फिर प्यारे प्यारे क्लैरिफिकेशन एडवाइजर टू इश्यू काउंसिल आ सकता है लिखिए मर्चेंट बैंकर नहीं आ सकता वो भी कुछ लिमिटेड डॉक्यूमेंट्स में अलाउ किया हुआ है आप आप पोजीशंस को पोजीशंस को नहीं लिख सकते डायरेक्टर ऑफ द कंपनी डायरेक्टर ऑफ द कंपनी अगर आप चार्ड अकाउंटेंट यूज कर रहे हो डेजिग्नेशन डायरेक्टर ऑफ द कंपनी ठीक है चार्ट अकाउंटेंट अपने आप में बहुत बड़ी चीज है डायरेक्टर ऑफ द कंपनी चेयरमैन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी ये वो फलाना ठिकाना पोजिशन के बारे में मत लिखो आप आप नॉट अलाउड ठीक है सीओपी के बारे में देखा इंस्टीट्यूट ने तो अलाउ किया है बोला यूज यूज मत करो अलग अलग करना लेकिन क्या करें बाकी लोगों ने अलाउ नहीं किया है तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट हम लोग देखने वाले हैं वी आर गोइंग टू टेक अ चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग गोइंग टू वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट चलिए अब हमारा जो सी एक्ट है वो खत्म होने पर आ रहा है और उसके बाद में अब हमारा अगला पार्ट शुरू होने वाला है शेड्यूल्स और गाइडलाइंस का चल लेट्स सी सेक्शन 27 तो आप देख रहे होंगे कि कुछ छोटे छोटे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो सीए एक्ट की हमारे मॉड्यूल ने ली है और हम उसको कवर करते जा रहे हैं अब अगला क्वेश्चन है क्या सीए ए सी ए ब्रांचेस ओपन कर सकते हैं जितने चाहे उतने ब्रांचेस ओपन करें, जहां चाहे वहां पे आप ब्रांचेस ओपन करें कोई प्रॉब्लम नहीं है ठीक है नाउ अगर आप ब्रांचेस ओपन कर रहे हैं बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन ब्रांचेस में क्वालिटी में क्वालिटी मेंटेन होना चाहिए ऑफ सर्विसेस और ये क्वालिटी मेंटेन करने के लिए हर ब्रांच का एक सेपरेट इंचार्ज होना चाहिए और वो इंचार्ज एक होनार बुद्धिमान शक्तिमान चार्ट अकाउंटेंट होना चाहिए बस एक सिंपल सी बात बोली हुई है सिंपल सी बात बोली है और उसके कुछ एक्सेप्शन और क्लैरिफिकेशन है Extremely important. A category topic. Section twenty-seven. According to section twenty-seven of the Act, the chartered accountant practice or firm of chartered accountant has multiple offices in India. Multiple offices in India. अगर आप मल्टीपल ऑफिस ओपन करना चाहते हैं ओपन करिए कोई प्रॉब्लम नहीं है ईच ऑफिस मस्ट द इंस्टीट्यूट एज इंच हर ऑफिस के लिए एक सेपरेट इंचार्ज होना चाहिए और वो एक चार्ट अकाउंटेंट होना चाहिए वो प्रैक्टिस में भी हो सकता है प्रैक्टिस में नहीं भी हो सकता है एक इंचार्ज होना चाहिए हो सकता है कि वो बंदा प्रैक्टिस में हो आपका पार्टनर हो ऐसा हो सकता है हो सकता है कि वो बंदा प्रैक्टिस में नहीं हो आपका एम्प्लॉय हो ऐसा भी हो सकता है right. अगर ऐसा नहीं करेंगे तो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट इफ मेंबर इंचार्ज अगर नहीं करेंगे तो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट गलत माना जाएगा ईच एडिशन मस्ट रखिए कोई प्रॉब्लम नहीं है ठीक है बहुत सिंपल सी बात बोली हुई सेपरेट इंचार्ज आपको रखना पड़ेगा एग्जाम्शन सेकेंड ऑफिस ऑफिस सर ये क्या है आपका एक मेन ऑफिस है और मेन ऑफिस के, के साथ साथ में आपने आपका और एक ऑफिस ओपन किया है जिसको हम सेकंड ऑफिस मेन ऑफिस के बाद जो आप दूसरा ऑफिस ओपन करते हो उसको आप सेकंड ऑफिस बोल सकते हो ठीक है ये सेकंड ऑफिस अगर वही बिल्डिंग में है वही कॉम्प्लेक्स में है या वही सिटी में है या फिर सिटी के मुंसिपल 50 किलोमीटर में है मतलब अगर आपका और एक ऑफिस है और वो ऑफिस अगर नजदीक पास ही कहीं पे है तो वहां पे आपको अलग से इंचार्ज रखने की जरूरत नहीं कॉमन सेंस है ना भाई कॉमन सेंस है वहां पे ठीक है कि भाई जो इधर का इंचार्ज है वही उसको भी देख लेगा तो अलग से बंदे को रखने की जरूरत नहीं है ठीक है भाई एग्जेपन चार मैटिसम्शन सेकेंड ऑफिस विदाउट इट बींग सेपरेट इंचार्ज अब मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट ये ऑफिस ये एग्जेपन सिर्फ सेकेंड ऑफिस को है अगर कोई थर्ड ऑफिस है फोर्थ ऑफिस है फिफ्थ ऑफिस है उनको एग्जेपन नहीं है बस एक मेन ऑफिस के अलावा एक जो सेकंड ऑफिस है उसको एग्जेपन इट कैन बी लोकेट इन द सेम प्रस उसी प्रिमाइसिस में हो सकता है सेम सिटी में हो सकता है विद इन फिफ्टी किलोमीटर फ्रॉम म्यूनिस्पल लिमिट ऑफ द सिटी हो सकता है मेंबर को डिक्लेयर करना पड़ेगा कि कौन सा मेन ऑफिस है और मेन ऑफिस है प्रोफेशनल एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन कौन सा आपका कौन सा मेन ऑफिस है अगर एक ही सिटी में दो ऑफिस तो कौन सा मेन ऑफिस और कौन सा सेकंड ऑफिस बताना पड़ेगा तो बहुत सिंपल आसान सी बात बोली हुई है दोस्तों कि सेकंड ऑफिस अगर है नजदीक पास तो आपको सेपरेट इंचार्ज की जरूरत नहीं है आइए इनके बारे में थोड़ा लिखते हैं हम लोग लेट्स राइट अबाउट इट डॉट एट ए टी सेक्शन ट्वेंटी सेवन सेक्शन ट्वेंटी सेवन मेंटेनिंग ब्रांच ऑफिस ठीक है सिंपल सी बात उन्होंने सबसे पहले क्या बोली है सेपरेट इंचार्ज के बारे में क्या बातें बोली है सिंपल सिंपल सी बातें बोली है सेपरेट इंचार्ज के बारे में सीए इन प्रैक्टिस पब्लिक फॉर्म Can have any number of branches. Any number of branches, no problem. Hai. But each branch should have separate. ंचार्ज सेपरेट इंचार्ज होना चाहिए सेपरेट इंचार्ज होना चाहिए दे शुड हैव सेपरेट इंचार्ज और ये जो सेपरेट इंचार्ज है ही शुड बी चार्टर्ड अकाउंटेंट ही शुड बी अ सीए वो बंदा सीए होना चाहिए वेदर इन प्रैक्टिस और नॉट प्रैक्टिस में भी हो सकता है प्रैक्टिस में नहीं भी हो सकता है ये आगे पॉइंट आने वाला है अभी लिख दे रहा हूं मैं और फर्म से जुड़ा हुआ होना चाहिए ऑफ कोर्स यार अगर इंचार्ज फर्म से शुड बी एसोसिएटेड एज ऐरे गहरे नथु खेरे को इंचार्ज नहीं बना सकते आपसे जुड़ा हुआ होना चाहिए एज अ पार्टनर और एम्प्लॉय एज अ पार्टनर और टू बी मोर प्रिसाइज फुल टाइम एम्प्लॉय क्वालिटी को मेंटेन रखने के लिए हर ब्रांच का सेपरेट इंचार्ज होना चाहिए वो बंदा चार्टर्ड अकाउंटेंट होना चाहिए प्रैक्टिस में हो तो भी चलेगा नहीं हो तो भी चलेगा वो आपका पार्टनर होना चाहिए या फिर आपका एम्प्लॉय होना चाहिए सीओपी होल्डर है तो प्रैक्टिस में है ठीक है सेपरेट इंचार्ज जरूरी है भाई साहब फिर आपके एग्जामिशन है आपका एग्जेमिशन है और पहला आपका एग्जेमिशन है सेकंड ऑफिस सेकंड ऑफिस सेकंड ऑफिस का एग्जामिशन क्या है एकदम सिंपल सी बात है No need to have separate in charge for second office located near. मेन ऑफिस मेन ऑफिस के नजदीक पास आपका सेकंड ऑफिस है तो सेपरेट इंचार्ज की जरूरत नहीं है क्योंकि मेन ऑफिस का इंचार्ज ही उसका ख्याल रख लेगा नॉट फॉर थर्ड फोर्थ फिस बस एक और सेकेंड सेकेंड ऑफिस के लिए एग्जामिशन है सिर्फ लोकेशन या तो सेम प्रिमाइसिस उसी कॉम्प्लेक्स में उसी बिल्डिंग में या सेम सिटी or within 50 kilometer from municipal limits of city in which we have मेन ऑफिस ठीक है इसमें बहुत सिंपल सी बात अगर inform ica about main office if two offices are there

पहाड़ों में हो सकते हैं और पहाड़ों में जो पहाड़ होते हैं वहाँ पे ठंडी बहुत गिर ठंडी ठंड बहुत होती है और स्नोफॉल होता है और ऑफिस पहुंचना मुश्किल होता है तो पहाड़ों के जो नीचे का एरिया होता है उसको प्लेन एरिया बोलते हैं तो ठंड के सीजन में आप टेम्प्रेरी ऑफिस ओपन कर सकते हैं टेम्प्रेरी ऑफिस आप ओपन कर सकते हैं आपके प्लेन एरिया में तीन महीने के लिए बिंदास आप ओपन करिए ओपन जब आप करोगे तो इंस्टीट्यूट को इन्फॉर्म करिए टेम्प्ररी बोर्ड लगाइए वहां पर ठीक है आपका मेन ऑफिस भी चल रहा है टेम्प्री ऑफिस भी चल रहा है जब आप ये चलेगा तो हर जगह पे आपके स्टेशनरी में सिर्फ मेन ऑफिस का एड्रेस होना चाहिए टेम्प्रेरी ऑफिस का एड्रेस नहीं होना क्योंकि वो तो टेम्प्री है जब आप ऑफिस बंद करो तो इंस्टीट्यूट को फिर से इन्फॉर्म करिए कि देखिए मैंने मेरा मेन ऑफिस जो है मेन ऑफिस मैंने बंद कर दिया है मेन ऑफिस मैंने बंद कर दिया है आप बिल्कुल सॉरी टेम्परी ऑफिस मैंने जब भी तीन महीने बाद टेम्प्री ऑफिस बंद कर दे तो टेम्प्रेरी ऑफिस बंद किया है इसके बारे में आप बता दे के बारे में आप बता दे कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मेंबर्स कैन ओपन टेम्प्ररी ऑफिस इन प्लेन सिटीज फॉर मैक्सिमम थ्री मंथस साल में ठीक है विदाउट सेपरेट इंचार्ज ये तभी तो एग्जामिशन है भाई साहब द रेगुलर ऑफिस रिमेन्स ऑपरेशनल आपका रेगुलर ऑफिस ऑपरेशनल रहेगा कोई प्रॉब्लम नहीं है हैंडलिंग ऑल द करस्पॉन्डेंसेस लेटर्स ऑफिशियल पूरे कम्युनिकेशन द फर्म्स नेम बोर्ड नेम बोर्ड भी आप लगाइए कोई प्रॉब्लम नहीं सिर्फ जितना फंक्शनिंग पीरियड है उतने समय के लगाइए

इन्फॉर्म कर दीजिए जब आप ओपन करें तब बताइए जब बंद करोगे तब आप बता दीजिए सिंपल सी बात है बहुत सिंपल ठीक है आइए सेकंड ऑफिस में आ, मैं आपको बताना चाहूंगा केस स्टडी आती है बिफोर आई गो टू द नेक्स्ट एग्जामिशन केस स्टडी आती है और केस स्टडी में बोलते हैं कि रिटायर्ड बैंकर को इंचार्ज बना दिया रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर को इंचार्ज बना दिया ऐसे रिटायर्ड लोगों को किसी को भी इंचार्ज बना दिया ठीक है अब आपको देखना है कि वो सेम प्रिमाइसिस से सिटी या विद इन फिफ्टी किलोमीटर फ्रॉम म्यूनिस्पल लिमिट है क्या तो है अगर एग्जेम्ट है तो इंचार्ज रखो मत रखो कुछ भी करो कोई फर्क नहीं पड़ता नो प्रॉब्लम एट ऑल कोई फर्क नहीं पड़ता ठीक है लेकिन बहुत सी बार प्रॉब्लम में फिफ्टी किलोमीटर के बारे में बोला एग्जैक्टली exactly नहीं बोलते म्यूनसिपल लिमिट से क्या वो बोलते 50 किलोमीटर फ्रॉम ऑफिस है अरे भाई 50 किलोमीटर फ्रॉम ऑफिस नहीं फिफ्टी फ्रॉम म्यूंसिपल लिमिट लेकिन वो ऑफिस वर्ड यूज कर लेते हैं भाई ऑफिस के डिस्टेंस का मैं क्या करूं उसका कोई यूज नहीं है मुंसिपल लिमिट से कितना दूर है वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट ऐसे केस में हम अज्यूम कर लेते हैं कि जो डिस्टेंस दिया है वो मुंसिपल लिमिट से ही है ऐसा हम अज्यूम करते हैं एजम्स लिखते हैं, उसके हिसाब से हम सॉल्व करते हैं। तो यहां पे कंट्रोवर्सी हो जाती है इफ एग्जाम केस गिव्स डिस्टेंस from main office it is of no use to us in such case we assume that distance फ्रॉम मुंसिपल लिमिट्स भाई प्रॉब्लम तो सॉल्व करना पड़ेगा ना अजमशन शुड बी रिटर्न If they write words like outskirts, suburbs, then Clearly, right assumption that Joby assumption that we are not considering it. विद इन फिफ्टी किलोमीटर वी आर नॉट कंसिडरिंग इट विद इन फिफ्टी किलोमीटर उसके हिसाब से आपको लिखना पड़ेगा ठीक है अब आइए आप लोग आपके अगले एग्जामिशन की तरफ टेम्पररी ऑफिस For firms in या फिर for hill area firms क्या लिखा यहाँ पे exemption फर्म्स इन हिल एरियाज ऐसे फर्म्स जो हिल एरियाज में सिचुएटेड है उनके लिए एग्जैम्पन दे कैन ओपन टेम्परी ऑफिस इन प्लेन एरियाज़ टेम्परी ऑफिस ओपन कर दे प्लेन एरियाज में विदाउट सेपरेट इन बिल्कुल ओपन करिए क्या है वहां पे बहुत सिंपल सा आपको सबसे पहले इन्फॉर्म आईसीए आई इनफॉर्म आईसीएआई बिफोर विंटर पीरियड विंटर शुरू होने से पहले आप बता दीजिए मैक्सिमम ड्यूरेशन थ्री मंथ्स आप जो इनको ओपन कर सकते थ्री मंथ्स देखो मेरे दिमाग में एक सीक्वेंस चल रहा है हिली एरिया में एक फर्म है वो प्लेन एरिया में टेम्प्रे ऑफिस ओपन कर सकती है बिना किसी इंचार्ज के क्या करना पड़ेगा इन फर्म आईसीए बिफोर विंटर हम ओपन कर रहे मैग्जिम ड्यूरेशन थ्री मंथ्स तीन महीने के लिए फर्म नेम का जो बोर्ड है पुट फर्म नेम बोर्ड फर्म नेम का जो बोर्ड है फर्म नेम बोर्ड फॉर टेम्प्ररी पीरियड आप टेम्पररी पीरियड के लिए रखिए डोंट मैंशन अबाउट इट ऑन ऑफिशियल स्टेशनरी उसको मेंशन मत करिए ऑफिशियल स्टेशनरी लाइक लेटर हेड विजिटिंग कार्ड एक्सेट्रा बिल्कुल भी मेंशन मत करिए इन्फॉर्म आईसीए अबाउट क्लोजिंग जब बंद कर रहे हो तब भी इन्फॉर्म कर दीजिए सिंपल सा आपका सेकंड ऑफिस रहेगा बहुत सिंपल बात है नाउ एक्टिव लेकिन जो बंदा है वो एक्टिवली असोसिएटेड होना चाहिए वो ब्रांड से असोसिएट होना चाहिए एज अ पार्टनर और एम्प्लॉय या तो वो असोसिएटेड हो एज अ पार्टनर या पेड असिस्टेंट अगर है तो होल टाइम एम्प्लॉयमेंट फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट में होना चाहिए उसका एक्टिव एसोसिएशन होना चाहिए ब्रांड से उसमें पहली कंडीशन है एक्टिव एसोसिएशन जो हम पहली पढ़कर जुड़ा हुआ है ब्रांड तो से जुड़ा हुआ है एज अ पार्टनर या फिर एज अ फुल टाइम एम्प्लॉय जरूरी है अब एक्टिव एसोसिएशन के लिए उसको बोला हुआ है बहुत सिंपल चीज है पहले फॉर्म से जुड़ा हुआ हो बंदा एज अ पार्टनर एम्प्लॉय अब ब्रांड से जुड़ा हुआ हो ब्रांड से कैसे जुड़ा हुआ होना चाहिए एक्टिव एसोसिएशन क्या क्राइटेरिया है एक्टिव एसोसिएशन के लिए या तो उसी सिटी में रहने वाला है फॉर एग्जाम्पल आपने आपका, suppose, आपका में, में है आपका मेन ऑफिस दिल्ली में है और आपका जो ब्रांच ऑफिस है वो अजमेर में है अजमेर इट इज इन अजमेर तो ये जो बंदा है जो इंचार्ज है पहले तो फर्म से जुड़ा हुआ है एज अ पार्टनर और एम्प्लॉय अब ब्रांच में इसका एक्टिव एसोसिएशन होना चाहिए एक्टिव एसोसिएशन क्या हो गया तो रहने वाला वो अजमेर का रहना होने वाला चाहिए नहीं भी रह रहा तो अटेंड करना चाहिए ऑफिस फॉर एटलीस्ट वन एटी टू डेज इन अयर या फिर आईसीआई की एग्जीक्यूटिव कमिटी कैन गिव एनी अदर टाइप ऑफ एसोसिएशन फॉर एग्जाम्पल आईसी कमिटी बोल सकती है अगर वो हर रोज जूम से जुड़ता है तो भी चलेगा लेकिन ऐसा कोई क्लैरिफिकेशन अभी तक नहीं आया तो उसको नहीं लेकर चले वो ही अच्छा है हमारे लिए अब के बाद में, के बाद, एक चीज और हम लोग एग्जेबिशन में ठीक है या फिर उसको क्लैरिफिकेशन में हम लोग ले लेंगे बाद में आइए एक्टिव एसोसिएशन के लेकर हम बात करते हैं पहले तो हमने बोला Should be associated with firm as partner, should be associated with firm as partner or full time employee. Yato Judahunachi as a partner. या तो जुड़ा होना चाहिए एज अ फुल टाइम एम्प्लॉय एक्टिवली एसोसिएट होना चाहिए ठीक है फिर जिस ब्रांच का पहले तो फॉर्म से जुड़ा हुआ हो फॉर्म से जुड़ने के बाद में ब्रांड से जुड़ा हुआ हूं एक्टिवली एसोसिएटेड विद ब्रांच कैसे आइदर रिसाइड इन सेम सिटी जहां पे ब्रांच सिचुएटेड है नहीं रिसाइड करते विजिट ब्रांच एटलीस्ट वन एटी टू डेज इन ईयर और एनी अदर क्राइटेरिया एज गिवन बाय एग्जीक्यूटिव एग्जीक्यूटिव कमिटी होती है आईसीएआई की इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं क्योंकि ऐसा कोई और क्राइटेरिया अभी तक उन्होंने दिया नहीं है दे हैव नॉट गिवन एनी अदर क्राइटेरिया ठीक है नाउ बहुत सिंपल से दो और हल्के फुल्के क्लैरिफिकेशन है ज ऑफ टू ऑफिस इफ दे आर सीम अकोमोडेशन से अंदर दो फर्म होते जैसे मैंने पीडब्ल्यू सी के साथ में आर्टिकल शिप की है तो पीडब्ल्यू सी और उसकी सिस्टर फर्म लवलॉक एंड लुइस दोनों का एंट्रेंस पे नाम रहता था और एक ही प्रिमाइसिस में दोनों फर्म के पार्टनर्स और एम्प्लॉज बैठते थे कुछ पीडब्ल्यू सी के बैठते थे और कुछ लवलॉक एंड लुइस के बैठते थे उसको बोलते हैं टू फर्म सिचुएटेड इन सेम अकोमोडेशन तो अगर दो फर्म्स है तो इंचार्ज हो सकता है इंचार्ज हो सकता है बहुत रेयर सिचुएशन है उसको क्लैरिफाई किया हुआ फिर द काउंसिलइडेड नो रिस्ट्रिक्शन ऑन डिस्प्लेंग नेम बोर्ड एट में घर पे आप नेम बोर्ड लगाइए कोई प्रॉब्लम नहीं है सीए के नाम का नेम बोर्ड लगाइए फर्म के नाम का नेम बोर्ड मत लगाइए ठीक है तो आइए कुछ और हम लोग अगर क्लरिफिकेशन की बात करते हैं फॉर्म्स जस्ट मेट ऐसा हो सकता है ऐसा हो सकता है क्या हो सकता है देयर कैन भी टू ऑफिस सिचुएटेड इन सेम प्रिमाइसेस एक ही प्रिमाइसिस दो ऑफिस हो सकते है सेम प्रिमाइस भी नहीं अकोमोडेशन देयर कैन बी टू ऑफिस सिचुएड इन सेम अकोमोडेशन मतलब एक ही जगह पे इन सच केस सेम मेंबर कैन बी इन चार्ज फॉर बोथ ऑफिसेस तो अगर एक ही जगह पे दो एक ही अकोमोडेशन पे दो ऑफिस चल रहे हैं तो एक ही बंदे को आप इंचार्ज बना सकते हो दोनों ऑफिस का कॉमन सेंस है ये भी फिर उसके बाद एट रेसिडेंस यूज पर्सनल सीए नेम बोर्ड डोंट यूज फर्म नेम बोर्ड आप सीए हो सीए चार्ट अकाउंट आप लिखिए फर्म का नाम मत लिखिए नहीं तो लोग गलती से उसको ब्रांड समझ सकते तो दोस्तों अगर मैं अमृत पॉइंट्स की बात करूं ठीक है अगर मैं अमृत पॉइंट्स की बात करूं, सेपरेट इंचार्ज होना चाहिए उसके बारे में बात की है दो तरह के एग्जामिशन है सेकंड ऑफिस का एग्जामिशन और हिल एरिया फर्म्स के लिए एग्जामिशन उसकी बात की है जो भी बंदा है इंचार्ज उसका एक्टिव एसोसिएशन होना चाहिए और दो सिंपल सिंपल से क्लैरिफिकेशन दी है दीज आर डेफिनेटली वेरी इंपॉर्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट है इंस्टीट्यूट घुस घुस के केसेस पूछता है प्रोफेशनल एथिक्स के अंदर ठीक है आई अब आ... KYC नॉम है मैं इसको सी कैटेगरी के वाई सी नॉम को के वाई सी नॉम को मैं सी कैटेगरी बोलूंगा दोस्तों बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है एक मिनट रुक जाइए सी से एक बार केस आया हुआ है इस पर तो मैं इसको बी कैटेगरी में डाल देता हूं बी कैटेगरी नो योर क्लाइंट आपको आपके क्लाइंट के बारे में पता होना चाहिए कौन है आपका क्लाइंट कौन है इसका असली मालिक वो आपको पता होना चाहिए क्या आप बिजनेस करते हैं ये लोग वो पता होना चाहिए फाइनेंशियल पोजीशन बिजनेस कैसे चल रहा है वो आपको पता होना चाहिए कहीं कोई टेररिस्ट तो इसका इंचार्ज नहीं है टेररिस्ट की कंपनी तो नहीं है ठीक है ये आपको देखना पड़ेगा तो टेरिस्ट नहीं होना चाहिए या फिर कोई माफिया है ऐसा तो नहीं है तो आपको पता होना चाहिए यू शुड बी अवेयर कि आपका क्लाइंट कौन है तो केवाईसी नॉर्म्स नॉम्स नो यूर नो यूर क्लाइंट आईसीए एफ हाई स्टैंडर्ड्स फॉर अकाउंटेंसी प्रोफेशन द काउंसिल काउंसिलूड केवाईसी नॉर्म्स कंपलसरी है मैंडेटरी है केवाईसी नॉर्म्स कहां पे? ऑल असाइनमेंट्स रिलेटेड टू अटेस्ट फंक्शन जहां अटेस्ट करना मतलब कंफर्म करना जहां पर भी आप अटेस्ट कर रहे हो कंफर्म कर रहे हो ठीक है इंफॉर्मेशन को रिलायबिलिटी को लेकर रिलायबिलिटी को लेकर आप कमेंट कर रहे हो रिलायबिलिटी को लेकर आप बात कर रहे हो डायरेक्टली इंडायरेक्टली रिलायबिलिटी को लेकर मतलब भी आप अश्योर कर रहे हो ठीक है तो अटेस्ट फंक्शन अब यहां उन्होंने उसमें अगर आप ऑडिट कर रहे हो जब शॉर्ट में चेकिंग करते हैं है, हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में आप ऑडिट कर रहे हो आ जाएगा आप रिव्यू कर रहे हो शॉर्ट में चेक रहे हो वो भी आ जाएगा हम पढ़ेंगे सेपरेट चैप्टर्स अपने अग्रीड अपॉन प्रोसीजर ऐसा काम कर रहे हो जिसमें सिर्फ अग्रीड प्रोसीजर को परफॉर्म करना पड़ता है कंपाइलेशन आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के देने वाला काम कर रहे हो यहां पर ये यह इंपॉर्टेंट है एग्जाम में केस था अगर आप सिर्फ जीएसटी कंसल्टेंसी दे रहे हो सिर्फ कंसल्टेंसी रहे हो तो केवाईसी नॉर्म्स एप्लीकेबल नहीं लेकिन आप अटेस्ट फंक्शन भी दे रहे हो साथ में कंसल्टेंसी दे रहे हो तो फिर आपको केवाईसी नॉर्म्स लग जाएंगे बहुत सिंपल है अटेस्ट फंक्शन आप दोगे तो लग जाता है फिर इसके साथ कंसल्टिंग दो मत वो फर्क नहीं पड़ता सिर्फ कंसल्टेंसी सर्विसेस आप दे रहे हो तो आपको केवाईसी नॉर्म्स नहीं लगते क्या लगता है कॉमन चीज है अगर आपका क्लाइंट इंडिविजुअल या प्रोपराइटर है उसका नाम उसका आधार कार्ड या पैन कार्ड बिजनेस के डिटेल्स क्या बिजनेस करता है डिस्क्रिप्शन लास्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या थे किस तरह का असाइनमेंट आपने उसके लिए परफॉर्म किया आपने 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 उसका उसका ऑडिट किया आपने किया आपने किया किया रिव्यू इसका इसका एयूपी कंपाइलेशन क्या किया बताइए अगर कंपनी है तो पहले एंटिटी का नाम और एड्रेस एंटिटी का नाम और उसका एड्रेस लगेगा आपको एंटिटी का पैन कार्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर अब कंपनी के पीछे जो लोग बैठे डायरेक्टर्स जो लोग चला रहे डायरेक्टर्स का नाम एड्रेस डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर ठीक है अगर इसके ऊपर भी कोई पेरेंट कंपनी है तो पेरेंट कंपनी का नाम लगेगा बिजनेस में रिपीट हो रहा है बिजनेस का डिस्क्रिप्शन कौन सा एंगेजमेंट कर रहे हैं बी और सी पॉइंट सब में रिपीट नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी मतलब आपकी पार्टनरशिप फर्म यहां पर पार्टनरशिप फर्म का नाम एड्रेस उसका पैन कार्ड और इसके जो पार्टनर्स है पार्टनर्स का नाम एड्रेस और पार्टनर्स का डिन नंबर आधार कार्ड पैन ये डिटेल्स आपको लगेंगे फिर बिजनेस के डिटेल्स और फिर असाइनमेंट डिटेल्स आइए तो बहुत ही सिंपल सा बहुत ही सिंपल सा केवाईसी नॉर्म्स नॉम्स डॉट नाइन ट्वेंटी के वाई बी कैटेगरी का टॉपिक है क्या बोलता है ये टॉपिक एकदम सिंपल सी बात करता है पहले एप्लीकेबिलिटी की बात करते हैं KYC norms are mandatory for all assignments. टू अटेस्ट फंक्शन अटेस्ट करना मतलब कमेंट ऑन रिलायबिलिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन इन जनरल जब भी आप चेकिंग करके आप चेकिंग करके रिलायबिलिटी पे कमेंट करते हैं वो अटेस्ट फंक्शन है इन जनरल उसका मीनिंग है जब भी आप फने रिकॉर्ड्स को चेक करके उसकी रिलायबिलिटी बात करें वो इन जनरल अटेस्ट फंक्शन होता है ठीक है इट इंक्लूड्स यहां पर उन्होंने बोला यहां पर अटेस्ट फंक्शन का मैंने जनरल बोला जब भी आप रिलायबिलिटी पे कमेंट करते हैं वो अटेस्ट फंक्शन है हो सकता है कि आप किसी लीगल रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो अटेस्ट करके आप दे रहे हो हो सकता है किसी थर्ड पार्टी ने मांगा है इसलिए आप अटेस्ट करके दे रहे हो लॉ के हिसाब से अटेस्टेशन होता है थर्ड पार्टी अगर मांगती है तो उनके लिए अटेस्टेशन होता है बहुत कॉमन चीज है यहां पे उन्होंने उसको स्पेसिफिकली इंक्लूड किया है इट इंक्लूड्स ऑडिट दोनों में हम रिलायबिलिटी के बारे में बात कर रहे हैं ऑडिट रिव्यू ये तो बहुत अंडरस्टूड था लेकिन जो नई बात है एयूपी अग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स जितनी प्रोसीजर अग्री की उतना ही काम करना होता है देखेंगे इसके बारे में सेपरेट चैप्टर है कंपाइलेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कंपाइल करना बनाकर देना वो भी इन्होंने इसको इंक्लूड किया ड इंक्लूड कंसल्टेंसी मतलब अगर आप अटेस्टेशन का काम कर रहे हो तो केवासी नॉर्म्स लगाने पड़ेंगे कंसल्टेंसी ठीक है डजन इंक्लूड कंसल्टेंसी सो इफ ओनली कंसल्टेंसी सर्विस इज प्रोवाइडेड देन केवाईसी नॉर्म्स नॉट एप्लीकेबल एप्लीकेबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि मैंने बोला एग्जाम में केस है अब किस तरह के डिटेल्स चाहिए तो आपको तीन तरह के डिटेल्स चाहिए हम लोग एक छोटा सा टेबल बना लेते हैं तीन तरह के डिटेल्स आपको लेंगे इंडिविजुअल प्रोपराइटर इंडिविजुअल प्रोपराइटर जो है उसके लिए फिर अगर मैं बोलू पार्टनरशिप फर्म उसके लिए और अगर कॉरपोरेट्स बोलू या कंपनी बोल दू एक ही बात होगी मैंने आपको बार बार बोला कि आप इसको आप इसको प्रिंसिपल ओरिएंटेड रखिए प्रोफेशन एथिक्स को वर्ड टू वर्ड कट टू कट वर्ड के ऊपर आप नहीं जा सकते प्रिंसिपल ओरिएंटेड रखेंगे समझेगा भी अच्छा याद भी रहेगा अच्छा प्रॉब्लम सॉल्व भी बहुत अच्छा करोगे ठीक है अब सबसे पहले आइडेंटिटी के बारे में अगर मैं आइडेंटिटी की बात करूं तो इंडिविजुअल प्रोपराइटर का नेम एंड एड्रेस नेम एंड एड्रेस आपको लगेगा उसका आधार कार्ड और उसका पैन कार्ड डिटेल भी लगेगा पैन कार्ड डिटेल विल बी रिक्वायर्ड अगर मैं पार्टनरशिप फर्म की बात करूं तो यहां पर यहां पर पहले बहुत सिंपल है नेम एंड एड्रेस ऑफ फर्म फर्म का नेम एड्रेस लगेगा ठीक है वो बिल्कुल लगेगा फिर फर्म का पैन आएगा फॉर्म का थोड़ी आधार आता है पैन आएगा वो भी लगेगा लेकिन फॉर्म के बाद में पार्टनर आपको और नेम एंड एड्रेस ऑफ पार्टनर और पार्टनर का आधार एंड पैन लगेगा तो आपको फॉर्म में भी घुसना पड़ेगा और उसके पार्टनर में भी घुसना पड़ेगा कॉमन सेंस है या फिर अगर फर्म पार्टनर्स वो भी लगेगा अगर डिन होगा जैसे आपका डिन डिन कहाँ पे होगा एलएलपी में एलएलपी में डिन भी लगेगा कॉमन सेंस है पहले फर्म में घुसे उनके आइडेंटिटी प्रूफ फिर पार्टनर में घुसो उनके आइडेंटिटी प्रूफ हम सेम लाइंस नाउ कॉर्पोरेट में नेम एंड एड्रेस ऑफ कंपनी नेम एंड एड्रेस ऑफ कंपनी आपको लगेगा उनके आइडेंटिटी के लिए उनके आइडेंटिटी के लिए उसका आधार नहीं होता पैन और सिन कंपनी आइडेंटिफिकेशन नंबर वो लग चाहिए। फिर कंपनी के बाद में उसके डायरेक्टर में घुसो नेम एंड एड्रेस ऑफ डायरेक्टर नेम एंड एड्रेस ऑफ डायरेक्टर डायरेक्टर में घुसना पड़ेगा डायरेक्टर में घुसने के बाद डायरेक्टर के डिटेल्स लेने पड़ेंगे उसका कॉमन सेंस से चलिए दोस्तों आधार उसका आधार उसका पैन उसका डिन मैंने बोला प्रिंसिपल ओरिएंटेड आपको चलना है आधार उसका पैन उसका डिन बनाकर रखी रखिए कंपनी में एक नई चीज हो सकती है कंपनी बैठ सकती है उसकी डिटेल्स भी लगेंगे तो आइडेंटिटी डिटेल्स इंडिविजुअल में घुसो फर्म में घुसने के बाद पार्टनर में घुसो कंपनी में घुसने के बाद डायरेक्टर्स में घुसो पेरेंट कंपनियों की तो वो फिर बिजनेस डिटेल्स सब में सेम है बिजनेस का हमको डिस्क्रिप्शन चाहिए क्या बिजनेस है डिस्क्रिप्शन चाहिए लास्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट चाहिए सेम चीज है फर्म में सेम चीज है कंपनी में फिर अगर हम बात करेंगे बिजनेस के बाद एंगेजमेंट एंगेजमेंट में आपको सिंपल आपको टाइप ऑफ एंगेजमेंट सेम यहां पर सेम यहां पर बहुत सिंपल सी चीज है इडेंटिटी डिटेल्स है जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो एप्लीकेबिलिटी है तो दो ही चीजें हैं एप्लीकेबिलिटी एप्लीकेबिलिटी है और एप्लीकेबिलिटी के बाद में वी हैव एप्लीकेबिलिटी और एप्लीकेबिलिटी के बाद हमको यहां पर डिटेल्स uh, क्या चाहिए वो चार्ट अकाउंटेंट इन सर्विस

इंडस्ट्री uh, पब्लिक वो गवर्नमेंट में काम कर सकता है प्राइवेट सेक्टर में काम कर सकता है एजुकेशन सेक्टर में काम कर सकता है कहीं पर भी काम कर सकता है ठीक है uh, हो सकता है कि वो डायरेक्ट एनडीटी के अंदर काम कर रहा हो या फिर किसी एक एनडीटी में काम कर रहा हो वो उनको अलग अलग जगह पे भेजते हैं इट कैन बी डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट इट कैन बी डायरेक्ट इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट कोई इंपॉर्टेंट नहीं है बिंदास छोड़ देंगे इसके बारे में हम लिखेंगे भी नहीं वी आर नॉट गोइंग टू राइट ऑल्सो अबाउट इट सी इन जॉब कोई लिखने वाली बात है अब डिसिप्लिनरी प्रोसीजर ये इंटरेस्टिंग है डिसिप्लिनरी प्रोसीजर आपका डिसिप्लिनरी प्रोसीजर है और ये डिसिप्लिनरी प्रोसीजर बहुत सिंपल सा है सेक्शन ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू ए बी सी टू जेड ऐसे रिलेटेड सेक्शन है ट्वेंटी टू और उससे और रिलेटेड सेक्शंस है 22 और डिसिप्लिनरी प्रोसीजर मतलब अगर कोई चार्ट अकाउंटेंट गलत काम करता है तो उसके अगेंस्ट डिसिप्लिनरी एक्शन लेने के लिए कौन सी कौन सी अथॉरिटीज मौजूद है तो चार तरह के अथॉरिटीज के बारे में हम बात करने वाले हैं सबसे छोटा होता है डिसिप्लिनरी डिरेक्टरेट उसके ऊपर होता है बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन उसके ऊपर होता है डिसिप्लिनरी कमिटी ठीक है और उसके ऊपर होता है एपेलेट अथॉरिटी सबसे छोटा डिसिप्ली डायरेक्टरेट एक छोटा सा ऑफिस होता है उससे बड़ा बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन होता है उससे बड़ा डिसिप्लिन कमिटी होता है उससे बड़ा एपेलेट अथॉरिटी होता है आइए बहुत सिंपल सा क्या है एक सिंपल फ्लो दिया है एग्जाम में मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि एमसीक्यू इसके ऊपर आ सकता है थ्योरी तो मैं आ, कम ही एक्सपेक्ट कर रहा हूं नहीं एक्सपेक्ट कर रहा हूं आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग थ्योरी उ अब देखिए बहुत सिंपल सा फ्लो दिया हुआ है कोई भी बंदा इंस्टीट्यूट में कंप्लेंट कर सकता है अगेंस्ट चार्ट अकाउंटेंट कंप्लेंट कर सकता है कि ये चार्ट अकाउंटेंट ने मेरे साथ गलत काम किया ऐसा कंप्लेंट कर सकता है या फिर इंफॉर्मेशन ये चार्ट अकाउंटेंट मेरे अगेंस्ट कुछ गलत काम नहीं किया है लेकिन इन जनरल कुछ गलत काम कर रहा है इसकी इंफॉर्मेशन तो कोई भी बंदा इंस्टीट्यूट को खुद के अगेंस्ट कुछ गलत हुआ है उसका कंप्लेंट कर सकता है या फिर उसके अगेंस्ट कुछ नहीं भी हुआ है तो इंफॉर्मेशन दे सकता है कि कोई सीए गलत काम कर रहा है सो कंप्लेंट अगेंस्ट चार्ड अकाउंटेंट्स एंड इंफॉर्मेशन अगेंस्ट चार्ड अकाउंटेंट्स इंस्टीट्यूट को आ सकती है तो ये इंफॉर्मेशन सीधी जानी चाहिए डिसिप्लिनरी डायरेक्टरेट जो भी कंप्लेन और इंफॉर्मेशन है वो डिसिप्लिनरी डायरेक्टरेट के पास आनी चाहिए सबसे छोटी अथॉरिटी है वो प्राइमा फेसी ऊपर ऊपर से ओपिनियन बनाएंगे प्राइमा फेसी कि क्या ये चार्ट अकाउंट ने सही में कुछ गलत काम किया है क्या कंप्लेन होगी कि भाई इसने झूठी ऑडिट रिपोर्ट बनाई है झूठे फाइनेंशियल स्टेटमेंट साइन किए हैं प्राइमा फेसी लग रहा है ऐसा लग रहा है क्या देखना पड़ेगा या या लग रहा है इसने कुछ गलत काम किया है डन समथिंग मेरे जगह पे पार्किंग कर देता है यह सारी कंपनी इंस्टीट्यूट नहीं एंटरटेन करने वाला प्राइमा फेसी अगर ऐसा लगता है कि इसने कुछ गलत काम किया है इसने कुछ गलत काम किया अब कौन से कौन से एक्टिविटीज को कौन से कौन से एक्टिविटीज को और कंडीशंस को गलत काम माना गया है यह सीए एक्ट के आखिरी में शेड्यूल है दो फर्स्ट शेड्यूल है जिसमें सेकेंड शेड्यूल है कि ये काम को misconduct माना जाएगा. Second schedule है दी हुई गलत माना जाएगा फर्स्ट शेड्यूल की गलतियां छोटी गलतियां होती है बड़ी शेड्यूल की सेकंड शेड्यूल की गलतियां बड़ी गलतियां माना जाता है एग्जाम के लिए लेकिन उल्टा है फर्स्ट शेड्यूल इज मोर इंपॉर्टेंट सेकंड शेड्यूल इज लेस इंपॉर्टेंट ठीक है तो एग्जाम में उल्टी कहानी है इस बात का ध्यान रखना तो अगर प्राइमा फेसी ऐसा लगता है प्राइमा फेसी ऐसा लगता है कि फर्स्ट शेड्यूल की गलती है अगर फर्स्ट शेड्यूल की गलती है तो आपको बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन को यह केस आगे फॉरवर्ड कर देना चाहिए अगर सेकंड शेड्यूल या बोथ दोनों के अंदर गलती लग रही है तो ये मामला भेज देना चाहिए डिसिप्लिन कमिटी को और भी बड़े लोग बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन बोलता है हां ठीक लग रहा है मुझे दे कैन एक्सेप्ट इट इंक्वायरी कंडक्ट कर सकते हैं और तय कर सकते हैं कि बंदा गिल्टी है कि नहीं अगर 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 लगता है गिल्टी है तो पनिशमेंट मिल सकती है फर्स्ट में क्या गलती है अगर गलती है तो क्या क्या पनिशमेंट मिल सकती है रिप्रीमांड मतलब डांटना उससे ज्यादा फाइन लग सकता है एक लाख रुपए तक का उससे ज्यादा रिमूवल हो सकता है से रिमूव कर सकते हैं फॉर थ्री मंथ्स कंटिन्यूटी ब्रेक हो जाती है सबसे छोटा डांटना उससे बड़ा पेनाल्टी उससे बड़ा रिमूवल तीन महीने के लिए अगर लगता है नहीं नहीं यार कोई केस नहीं बनता क्लोज कर दो मैटर को इंक्वायरी करने के बाद लगा ठीक है कुछ गड़बड़ नहीं है क्लोज कर दो मैटर को केस आते से ही क्लोज कर सकते हैं इंक्वायरी करने के बाद में भी भी क्लोज कर सकते हैं सेम करेगा एक्सेप्ट करके इंक्वायरी कंडक्ट कर सकता है अगर गिल्टी मिला तो पनिशमेंट यहां पे पनिशमेंट थोड़ी ज्यादा है बस यहां पर भी डांट सकता है रिप्रीमांड करना मतलब डांटना फाइन लग सकता है पांच लाख रुपए तक या फिर नाम रिमूव हो सकता है परमानेंटली परमानेंटली परमानेंट रिमूवल हो सकता है या फिर एनी ड्यूरेशन का रिमूवल हो सकता है बहुत खतरनाक है इसलिए सेकेंड शेड्यूल या दोनों शेड्यूल इन्वॉल्व हो तो बहुत खतरनाक ये लोग भी अगर लगता है कि कोई केस नहीं बन रहा तो क्लोज कर दो मैटर रिजेक्ट कर क्लोज कर दो मैटर इंक्वायरी करने के बाद कुछ नहीं दिख रहा क्लोज कर दो मैटर ये लोग क्लोज कर सकते हैं क्लोज इट, ठीक है, अब अगर किसी को बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन इफ एनी बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन या डिसिप्लिन कमिटी के ऑर्डर से प्रॉब्लम है तो वो अपील कर सकते हैं विद इन नाइनटी डेज कोई भी चार्ड अकाउंटेंट या डिसिप्लिन डिरेक्ट्रेट को खुद कोई प्रॉब्लम है कि यार इन्होंने गलत काम किया तो वो अपेलेट अथॉरिटी के पास जा सकते हैं. अपेलेट अथॉरिटी बहुत पावरफुल है वो चाहे तो कंफर्म कर सकते हैं ठीक है मॉडिफाई कर सकते ऑर्डर को सीधा ऑर्डर कैंसिल ही कर सकते हैं. या तो पूरा ऑर्डर कै, ही कैंसिल कर देंगे या मॉडिफाई कर दो कंफर्म कर दो ठीक है सीधा पेनाल्टी को कम ज्यादा कर सकते हैं. अब जब हम बोलते हैं कि वो मॉडिफाई कर सकते हैं तो मॉडिफिकेशन में वो लोग पेनाल्टी को कम ज्यादा सेटसाइड जो करना है कर लीजिए या फिर केस को फिर से पीछे भेज सकते हैं फिर से इस पे, फिर से इस पर सुनवाई करो या फिर सच ऑर्डर जो उनको ठीक लगे भाई अलग ही दबंग लोग है ये अलग ही दबंग लोग है करेक्ट एग्जिस्टिंग ऑर्डर के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं एग्जिस्टिंग पेनल्टी के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं केस के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं पूरा केस ही वापस भेज दिया ठीक है या फिर जो भी ऑर्डर वो चाहे अगर प्राइमा फेसी लगता है नॉट गिल्टी तो भी बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन के पास जाइए बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन को लगता है हा यार कुछ गलत नहीं है क्लोज द मैटर बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन को लग सकता है मतलब ऐसा समझो डीडी कभी फाइनल डिसीजन नहीं ले सकता प्राइमा फेसी गिल्टी लगता है तो आगे बढ़ो नॉट गिल्टी लगता है तो आगे बढ़ो दोनों रास्ते में उसको किसी न ठीक है इसको बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन का अप्रूवल लगेगा ही एडवाइस करो डायरेक्टर को कि वापस इन्वेस्टिगेट करो और फिर आगे बढ़ो खुद ही वो मैटर आगे ले सकता है या रेफर कर सकता है डिसिप्ली कमिटी को कि भाई तुम देख लो ये उसके पास में ऑप्शन है देर आर ऑप्शन तो मुझे लगता है एमसीक्यू आ सकता है देयर कैन बी एम सी क्यू ऑन दिस कौन से कैटेगरी में इसको डालेंगे हम तो मैं इसको बी कैटेगरी में डालूंगा मैं इसको बी कैटेगरी में डालूंगा इंपॉर्न कैटेगरी में तो इसको नहीं डाल सकते हम लोग बी कैटेगरी में डालूंगा अभी इसमें डॉट नाइन सिक्सटी प्रोसीजर की अगर मैं बात करूं, ठीक है इफ इट इफ आई टॉक अबाउट इट तो मैं सीधा आपको जहां पे ऑलरेडी बड़ा चार, प्यारा चार्ट बना हुआ है मुझे नहीं लगता कि इसमें हम कुछ और वैल्यू एडिशन हम लोग और कोई बहुत ज्यादा वैल्यू एडिशन हम इसमें कर पाएंगे ठीक है इसको शॉर्ट में हम लोग कुछ पॉइंट्स लिख सकते हैं पहले तो रेफर चार्ट ऑफ टाइटेनियम बुक ठीक है रेफर चार्ट ऑफ टाइटेनियम बुक ये हम बोल देंगे और उसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट बातें अगर हमको देखनी है ये बी कैटेगरी है तो चार अथॉरिटीज इन्वॉल्व है सबसे छोटा डिसिप्लिनरी डायरेक्टरेट सबसे छोटा आपका डिसिप्ली डायरेक्टरेट है चलिए दोस्तों इसको हम लोग खत्म करेंगे आज अभी यहां पर डिसिप्ली डायरेक्टरेट है सो so वी हैव डिसिप्ली डायरेक्टरेट फिर उससे बड़ा आपका बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन उससे बड़ा आपका डिसिप्लिनरी कमिटी उससे बड़ा आपका एपेलिट अथॉरिटी सबकी कुछ बातें हम लोग बोल देंगे अगर मैं बात करता हूं डिसिप्ली डायरेक्टरेट की डिसिप्ली डायरेक्टरेट की सबसे खास बात क्या है ऑल कंप्लेंट्स एंड इंफॉर्मेशन ऑफ मिसकंडक्ट कि कुछ गलत किया है चार्ट अकाउंटेंट्स ने विक्टिम्स कंप्लेंट कर सकते हैं बाकी लोग इंफॉर्मेशन भेज सकते हैं डिसिप्ली डायरेक्टरेट को पूरी जानकारी आ जाएगी डीसीपी डायरेक्टरेट के पास पूरी जानकारी इकट्ठा होगी इनको प्राइमा फेसी ओपिनियन एंड फॉरवर्ड केस केस आगे बढ़ा देना है कोई डिसीजन नहीं लेते लोग केस को फॉरवर्ड कर देना है आपका बीओडी डिसिप्लिन है यहां पे क्या क्या आते हैं केसेस वेयर प्राइमा फेसी नॉट गिल्टी इनके पास ही आते हैं अगर नॉट गिल्टी है इनको ही देखना है केसेस वेयर इमाफेसी गिल्टी अंडर फर्स्ट शेड्यूल आइदर क्लोज कर सकते हैं मैटर या पनिश कर सकते हैं। क्या पनिशमेंट रेप्रिमांड फाइन अप टू वन लैख फर्स्ट शेड्यूल में इतनी है रिमूअल अप टू थ्री मंथ्स, ठीक है अगर हम बात करते हैं डिसिप्लिनरी अगर हम बात करते डिसिप्लिनरी कमेटी की विडो डिसिप्लिनरी कमेटी इनके पास में क्या आएगा केसेस ऑफ सेकंड वोट शेड्यूल क्लोज कर सकते हैं मैटर और पनिश कर सकते हैं क्या पनिशमेंट दे सकते हैं रिप्रीमांड मतलब डांटना फाइन अप टू फाइव लाख रुपीस पांच लाख रुपए का फाइन हो सकता है या फिर रिमूवल फॉर स्पेसिफाइड पीरियड और परमानेंट रिमूवल सबसे खतरनाक है भाई सीए की मेंबरशिप हमेशा के लिए चली जाएगी बहुत ही खतरनाक एपेलेट अथॉरिटी की अगर हम बात करें एपेलेट अथॉरिटी अगर बात करें तो अपील इन नाइन्टी डेज अगेंस्ट ऑर्डर ऑफ बीओडी या फिर डीसी बाय सीए और डिसिप्ली डायरेक्टरेट ये लोग क्या एक्शन ले सकते हैं ये लोग ऑर्डर उसके अंदर की पेनाल्टी पेनाल्टी ठीक है इसको ये लोग सबसे कम एक्शन दे कैन कंफर्म दे कैन मॉडिफाई ऑर्डर पे मॉडिफाई कर सकते हैं इंक्रीज कर सकते हैं इंक्रीज कर सकते हैं डिक्रीज कर सकते हैं या फिर सबसे खतरनाक एक्शन सेट असाइड पूरा बाजू में कर दिया ठीक है केस ये लोग सीधा रेमिट कर सकते हैं वापस करो भाई एनी ऑर्डर विच दे थिंक फिट जो करना है करो भाई कोई प्रॉब्लम ही नहीं है कोई प्रॉब्लम ही नहीं है तो हमने मोटा मोटी देखा कि क्या फ्लो होता है ये चार अथॉरिटीज का और ये एक क्या एक्शन ले सकते हैं वो भी हम लोग देखा सो गाइज वी आर ऑलमोस्ट नाउ थ्रू विद सी एक्ट के सेक्शंस हमारे खत्म हो गए टुमारो वी आर गोइंग टू स्टार्ट शेड्यूल्स दे आर गोइंग टू बी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है तो हम लोगों ने मोटा मोटी क्या खत्म कर दिया है मेंबर्स के बारे में सब कुछ जानते हैं सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस के बारे में हम लोग सब कुछ जानते हैं ठीक है थीके? उसके बाद हम लोग सी ए रिलेटेड सर्विसेज के बारे में सब कुछ जानते हैं कि इसमें क्या आता है और इसमें क्या नहीं आता है क्या कर सकते क्या नहीं कर सकते डीम टू बीन प्रैक्टिस में हमको ये समझ में आया कि सीए रेटेड सर्विस में क्या आता है और क्या नहीं आता है उसमें मेजर था मैनेजमेंट कंसल्टेंसी इन अदर सर्विस फिर हम कुछ छोटी मोटी बातें देखी हम लोगों ने और फिर हमने बहुत इंपॉर्टेंट देखा कि जो ब्रांच है उसमें एक सेपरेट इंचार्ज की जरूरत होती है वी नीड अ सेपरेट इंचार्ज उसके बारे में पूरी बातें हम लोगों ने देखी फाइनली डिसिप्ली एक्शन कैसे होगा वो हमने देखा और नव विल बी आगे अभी जैसे ही थोड़ा हम लोग सेट हो चुके हैं तो हम लोग अब स्पीड को बढ़ाएंगे विल बी इंक्रीजिंग द स्पीड फॉर दी फर्स्ट शेड्यूल सेकेंड शेड्यूल अब एक अच्छे रीजनेबल स्पीड में हम लोग आगे बढ़ेंगे दोस्तों जो ग्रुप दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है ग्रुप की उसको ज्वाइन करिए वहां पर आपको रोज के ये हैंड रिटन नोट्स आ जाएंगे आपको डीपीक्यू मिलेगा डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको अपलोड करना है साइट पे चेक करके मिलेगा और आपको रोज का ऑडियो रिविजन भी मिलेगा